everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. Class 9th, ये रहा आप सभी के लिए क्लास 9 की जर्नी का पहला चैप्टर. इस वीडियो में हम लोग सिविक्स का व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी वाला चैप्टर जो है कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं. तो अब देखिए, 8th से 9th में आए हो ना, बहुत सारी चीजें बदली है, बहुत सारी चीजें बदली है. तो सोशल साइंस में आपको तो एक बुक ऐड हो जाएगी, इकोनॉमिक्स, जिसका चैप्टर पहला जो है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसे भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में. यहां से शुरू करते हैं. शुरू करने के लिए पहला चैप्टर आपका सिविक्स का है. अब सिविक्स या फिर जिसे आप पॉलिटिकल साइंस भी कह लेते हैं, और आपकी बुक के पेज पे जिसपे नाम क्या लिखा है, ऊपर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लिखा है, तो ये अलग अलग नामों से जाने जाती है, लेकिन चीजें सब में वही होती है, सरकार, संविधान, गवर्नेंस, ये वो सारी चीजें क्या है. और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपको क्लास 9th, क्लास 10th, सब्सिक्वेंटली अगर आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह लेते हैं तो आगे आने वाली क्लासेस में मिलती चली जाएगी. ठीक है, यहां से जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक है आपकी, उसका जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी. तो ये आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करवाने वाला एक चैप्टर है, बेसिक से स्टार्ट करवाने वाला चैप्टर है, जिसमें आप ये सीखते हैं कि आखिरकार डेमोक्रेसी क्या है. जब आपको यह पता चल जाएगा कि डेमोक्रेसी क्या है, तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या नहीं है. डेमोक्रेसी क्या नहीं है, या आप ये भी समझ जाएंगे. इस चैप्टर में बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ साथ में बहुत सारे थॉट्स भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, यार हमने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था. तो बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी अ फन चैप्टर. ठीक है, बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम देखो क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी. दो चीजें यहां पे समझ में आ रही है. विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस वी कैन अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो जब आप व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी दो सवाल पूछते हैं, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी से आपको यह समझ में आता है कि हम किसी भी सरकार को देख के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल देते हैं. ठीक है, और अगर हम किसी को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, सब कुछ आप इस चैप्टर में जानते हैं. एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, चलो. ठीक है, तो एक्सरसाइज में आपके सामने दो फोटोग्राफ्स हैं. ठीक है, दो फोटोग्राफ्स में आपको क्या दिख रहे हैं, एक हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और एक चाइना के प्रेसिडेंट. अब आपको दोनों को ही देखते से क्या दिमाग में आया कि ही इज डेमोक्रेटिक, ही इज नॉट डेमोक्रेटिक. ये कुछ पसंद से आए, इसलिए पसंद आए कि हमारी कंट्री के, बाकी पसंद इसलिए आए क्योंकि डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, और ये इसलिए पसंद नहीं आए क्योंकि अत्याचार कर रहे हैं किसके ऊपर, चाइना की बहुत सारी जनता के ऊपर, जो डेमोक्रेसी चाहती है लेकिन ये डेमोक्रेसी आने नहीं देते हैं. ठीक है, कहने को तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ये खुद भी बोलते हैं, फिर आप इन्हें नॉन डेमोक्रेटिक क्यों बोल रहे हैं. तो वो सारी चीजें जो आपके सवाल में सारे आपके मन में जो सारे सवाल कौंध रहे हैं ना, उन सारे सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा. समझ में आया. बेसिकली यहां पे मैंने आपको एक इंट्रो दिया है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, और यही चीज हम पूरे चैप्टर में समझेंगे, ये सारे टॉपिक्स के थ्रू समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, जहां पे लोग जो है, लोग सर्वोपरि है, लोग सबसे ऊपर है. ठीक है, तो वो व्हाट इज डेमोक्रेसी में आप पढ़ोगे. अब डेमोक्रेसी को आपने देख लिया, आप डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, तो ये चार पांच फीचर्स हैं. ठीक है, कि मेजर डिसीजंस इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं. तो पाकिस्तान के केस से हम यहाँ पे वो चीजों को समझेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए. तो ये हम चाइना के केस से समझेंगे कि चाइना डेमोक्रेसी खुद को बोल दे रहा है लेकिन डेमोक्रेसी क्यों नहीं है. तो वो सारी चीजें, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का आइडिया होना चाहिए डेमोक्रेसी में, इक्वालिटी होना चाहिए. अगर आप बोल रहे हैं कि आप डेमोक्रेटिक है तो इक्वालिटी दर्शाना चाहिए आपको. ठीक है, फिर वैसे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, तो ये जानू पीएफ, ठीक है, जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे के टाइम पीरियड से समझेंगे, और यही सारी चीजों को फिर हम यहाँ पे समराइज करेंगे एक बार. तो चैप्टर बड़ा ऐसा आसानी से पानी की तरह फ्लो वाला है, बस आप क्या करना, आप मेरे साथ बने रहना, समझते चलना है एक चीजों को. ठीक है, फिर व्हाई डेमोक्रेसी में हम जैसे देखें तो डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों. अब जब किसी में अच्छाई भी है बुराई भी है तो हम दोनों चीजों को समझेंगे और फिर नापेंगे कि क्या अच्छाई बुराइयों से ज्यादा है. तो फिर हम क्या करते हैं, अगर ऐसा लगता है कि चलो कुछ कमी है तो चलेगा, लेकिन वो उस पार्ट पे अच्छा भी तो है, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेते हैं. तो व्हाई डेमोक्रेसी में आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ये दोनों चीजें समझेंगे हम. उसके बाद में ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, ये जो आप पूरा पढ़ोगे इसका रस जो है आपको इस टॉपिक में मिलेगा, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये मजेदार सिलसिला होने वाला है इस पूरे के पूरे चैप्टर का. ठीक है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. अब इंपॉर्टेंट चीज, तो कब कौन सा चैप्टर आने वाला है, उस चीज की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पर.
टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ आपको अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड करना है जहां पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे पीडीएफ है तो इस चैप्टर के जो पूरे नोट्स हैं वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कम्युनिटी सेक्शन होता है, ठीक है। तो कम्युनिटी सेक्शन में क्या है, कोई भी अपडेट रहता है तो अनअकैडमी ऐप पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां से नोट्स डाउनलोड करना है कम्युनिटी सेक्शन से, तो जैसे टीचर को फॉलो करो, नोट्स डाउनलोड करो, ठीक है। स्टडी मटेरियल वगैरह अपने फीडबैक जो है पोल्स वगैरह के थ्रू आप दे सकते हैं और हम कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना। चलिए तो अब अगर आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर में सीधे कूद पड़ते हैं। चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो डेफिनेशन है इसके साथ चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या है डेफिनेशन, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, इस डेफिनेशन के साथ चैप्टर स्टार्ट होता है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कोई इंसान नहीं कि आपको देखने को मिल जाएगा चलो डेमोक्रेसी को देख के आते हैं। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे जो रूलर्स होते हैं ना, जो मतलब डिसीजन लेंगे लीडर्स जो होते हैं, उन्हें कौन इलेक्ट कर रहा है, उन्हें जनता जनार्दन इलेक्ट करती है, ठीक है। जनता जनार्दन मतलब आप और हम, ठीक। तो हम क्या समझे इस डेफिनेशन से, बेसिकली हम ये समझ लिए कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जहां पे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के द्वारा, इलेक्शंस में जनता जो रहती है, पीपल जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। ये हमने डेमोक्रेसी के बारे में बेसिक एक मतलब बोलते ना कि स्टार्ट करने के लिए ये डेफिनेशन उठाई। अब लेकिन इस डेफिनेशन में इनहेरेंट डिफेक्ट्स हैं, इस डेफिनेशन में अपने आप में डेफिनेशन कंप्लीट नहीं, इसमें कुछ समस्याएं हैं। क्या, तो द डेफिनेशन इज हेल्पफुल फॉर अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट एडिक्वेट। आप जैसे आपको ये पता है ना, क्या है कि आपको पता है कि सेब जो होता है मीठा लगता है, तो आप कोई भी दूसरी ऐसी चीज खाएंगे जो मीठी नहीं है, तो आपको ये नहीं पता कि वो सेब है कि नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि वो सेब नहीं है, ठीक है। मतलब वो खा के आपको ये पता चल जाएगा कि सेब कैसा है, ये आपने चाहे ना देखा हो, ठीक है, लेकिन आप उसको आपका आपको उसको अगर टेस्ट पता है तो आप ये बोलोगे कि जो दूसरी चीज मैंने खाई जो मीठी नहीं लगी तो वो सेब तो नहीं है, ठीक है। वैसे ही क्या है कि डेमोक्रेसी के बारे में जब आपको एक बेसिक आइडिया ये लग जाता है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो होते हैं ना वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो आप इस बेसिक डेफिनेशन पे ये जरूर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि क्या डेमोक्रेसी होगा क्या नहीं होगा। जहां पे लोगों के द्वारा चुना नहीं जाएगा, जैसे हिटलर, ठीक है, तो हिटलर जर्मनी में जब पावर में था, हिटलर को लोगों ने नहीं चुना था, तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जर्मनी में जो भी था डेमोक्रेसी तो नहीं थी, जर्मनी में जो भी था लेकिन डेमोक्रेसी तो नहीं थी। तो अब उसी तर्ज पे अगर आगे बढ़े तो दी डेफिनेशन इज हेल्पफुल फॉर सेपरेटिंग डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उन्हें आप क्या कर सकते हो, डेमोक्रेसी से डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये डेफिनेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है, बिकॉज इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। ये इससे हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी पीपल्स रूल है तो ये बढ़िया चीज है, ठीक है। बट इफ वी यूज डेफिनेशन इन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स इलेक्शन डेमोक्रेसी, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता हूं और यहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि अगर आप इस डेफिनेशन को आंख बंद करके, हाँ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इस डेफिनेशन को आंख बंद करके फॉलो करोगे ना, तो इलेक्शन तो चाइना में भी होते हैं, ठीक है, चाइना में इलेक्शन हो रहा है और चाइना में वोट भी कौन देती है, आम जनता देती है, लेकिन फिर भी क्या आप चाइना को डेमोक्रेसी कहोगे, नहीं आप चाइना को डेमोक्रेसी नहीं कहोगे। क्यों सर, वहां पे भी तो इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे भी तो जनता चुन रही है और जो लीडर्स आ रहे हैं वो दे आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, फिर हम उसे डेमोक्रेसी क्यों नहीं कह रहे, फिर हम उसे डेमोक्रेसी क्यों नहीं कह रहे। तो यही पॉइंट यहां पे समझाया जा रहा है, क्या कि दिस डेफिनेशन इज गुड टू स्टार्ट करने के लिए अच्छा है कि आप इस डेफिनेशन की मदद से डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को डिफरेंशिएट कर पाओगे, लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है, अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस डेफिनेशन के सहारे जाओगे तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट्स होंगी जो नॉन डेमोक्रेटिक होगी, लेकिन मतलब ऐसे बहुत सारे इलेक्शंस होंगे, ऐसे बहुत सारे रूलर्स होंगे जो लोगों के द्वारा चुन के आए होंगे, लेकिन वो इन सारी चीजों के बाद में नॉन डेमोक्रेटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी सिर्फ इस इलेक्शन तक सीमित नहीं है, इस डेफिनेशन तक सीमित नहीं है, उसे और बारीकी से खुरेचना पड़ेगा और पोस्टमार्टम करके देखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहां पे वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड ऑन दैट इट प्रिटेंड्स टू बी वन। चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी बोलने का प्रयास करती है, डेमोक्रेसी है नहीं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत केयरफुली इस चीज में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा किस किस में, एक सच में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और एक वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो प्रिटेंड करती है कि वो डेमोक्रेटिक है बट इन रियलिटी इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा,
ठीक है। तो अब ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि कैन वी डू, ठीक है, कैन वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हाउ वाई वाला जो सवाल है, ठीक है, कि कैसे कर पाएंगे सर हम ये, ठीक है, हाउ होना चाहिए, वाई नहीं, हम ये कैसे कर पाएंगे डिस्टिंग्विश। अब आपने तो हमें चक्कर में डाल दिया, हम तो आज तक यही सोचते थे कि जहां इलेक्शन हो रहा है वो डेमोक्रेसी कहलाएगा, लेकिन हमने ये सीखा कि इलेक्शन तो झूठ मूठ के भी हो सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्टेड लीडर्स है वो एक बार इलेक्ट होकर आ सकते हैं, फिर अपने पास में पावर ऐसी रख लेंगे कि वो दूसरी बार इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें एक एक चीज को क्या करना पड़ेगा, बहुत क्लोजली एग्जामिन करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की भी हो सकती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कोई सी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी होना चाहिए विच इज इन लाइन विथ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, विच इज इन लाइन विथ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंशियल हो गया, पार्लियामेंट्री हो गया, प्राइम मिनिस्ट्रियल हो गया, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए इन विच द रूलर्स। अब रूलर्स तो मान लो क्या है कि रूलर्स तो राजा भी हो सकते हैं, तो रूलर्स राजा वाले नहीं, रूलर्स इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इलेक्टेड होना चाहिए, तो इलेक्शन तो सर ऐसे भी हो सकता है कि मैं अपने घर में इलेक्शन करवा लूं, बोलूं मेरे सभी घर वालों ने चाहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, तो मैं इसलिए क्या अपनी पावर के दम पे प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो वो इलेक्टेड जो है ना रूलर, वो रूलर इलेक्टेड कैसा होना चाहिए, बाय द पीपल। और बाय द पीपल में यही नहीं कि सारे मेल मेल को वोटिंग राइट दे दिए, सारे फीमेल फीमेल को वोटिंग राइट दे दिए। ठीक है, बाय द पीपल की जब आप बात करते हो तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस्ड होना चाहिए, जहां हर इंडिविजुअल को वोटिंग राइट मिले। अब समझ में आया कुछ? ठीक है, तो देखो हम चैप्टर में थोड़ा आगे आ गए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितनी बनी है ना उसके साथ थोड़ा सा खेलना चाहूंगा। ठीक है, अब समझना, तो आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया किस चीज के साथ, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के साथ। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी में आपने क्या पढ़ा बेसिकली, व्हाट इज डेमोक्रेसी में बेसिकली आपने यही पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन ये डेफिनेशन को ऐसे आंख बंद करके आप क्या कर सकते हो, इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस डेफिनेशन को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रूलर्स, तो ये रूलर्स परमानेंट रहते हैं या चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है कि ये रूलर्स एक बार बन गए तो बस जीवन भर के लिए रूलर्स नहीं। ठीक है, तो यहां पे भी क्या है, रूलर्स वाले पार्ट पे भी एक क्वेश्चन मार्क निकलता है। ठीक है, इलेक्टेड, तो इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन। अब ये जो इलेक्शन होंगे तो ये इलेक्शन तो कह सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, डरा धमका के भी किए जा सकते हैं। तो इलेक्शंस कितने फ्री और फेयर है वो एक एस्पेक्ट हो जाता है। बाय द पीपल, तो बाय द पीपल में क्या सभी पीपल को वोटिंग राइट है, नहीं है। तो डेमोक्रेसी की ये जो बेसिक डेफिनेशन हमने स्टार्ट किया, जब इसमें इतने पेच हैं तो डेमोक्रेसी को कैसे समझा जाए। तो डेमोक्रेसी को इसीलिए हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को अलग अलग फीचर्स के साथ समझते हैं। अब यहां से मैं आपको चार पांच कहानी सुनाने वाला हूं चैप्टर में आगे। ये जो चार पांच कहानियां रहेंगी ना, इन चार पांच कहानियों की मदद से आपको बड़ी पिक्चर समझ में आएगी डेमोक्रेसी के बारे में। ये चार पांच कहानियां क्या है, तो ये जो चार पांच कहानियां, इसमें सबसे पहली कहानी पाकिस्तान की, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान की कहानी से आगे की कहानी बढ़ाते हैं। ये फोटो दी गई है जनरल परवेश मुशर्रफ की। ठीक है, 1999 में जिसे आप देखोगे तो मिलिट्री जनरल थे जनरल परवेश मुशर्रफ, उन्होंने पावर अपने पास ले ली। पावर अपने पास कैसे ले ली, तो ऐसे पावर बिक रही थी क्या बाजार में, नहीं, उन्होंने पावर अपने पास छुड़ा के ली। ठीक है, पावर अपने पास छुड़ा के ली। तो जैसे क्या लिखा है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अब देखो, जनरल परवेश मुशर्रफ ने पावर अपने पास ली। ठीक है, पावर अपने पास लेने के बाद में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट का ओहदा भी दे दिया, रेफरेंडम मतलब एक तरह का इलेक्शन भी करवा लिया। लेकिन हम अगर बेसिक डेफिनेशन से जाएं जिससे हमने स्टार्ट किया चैप्टर, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इज ही इलेक्टेड बाय द पीपल? नो, ही इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इस सेंस में हमने समझा कि सिर्फ लोगों के द्वारा चुन लेने से भी क्या होता है, ऐसा भी नहीं कि मान लो, अभी आपको आगे पूरी कहानी समझ में आएगी ना, जब इन्होंने आगे क्या किया, इन्होंने भी इनके स्कूल में कहीं ये डेफिनेशन पढ़ ली होगी, उन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो मैं नॉन डेमोक्रेटिक दिख रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं झूठ मूठ का इलेक्शन करवा लेता हूं। इलेक्शन भी करवा लिया, लेकिन कुछ भी कर लो आप, अगर आप सच में इलेक्टेड नहीं हो लोगों के द्वारा, तो आपके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का एक फीचर आपको समझ में आएगा जब मैं आपको पाकिस्तान की पूरी कहानी समझा दूंगा। ठीक है, एक फीचर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, इन अक्टूबर 1999 पाकिस्तान की कहानी है। जनरल परवेश मुशर्रफ जो थे ना, तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कूप किया। मिलिट्री कूप मतलब क्या है कि बिकॉज ही वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर, तो उनके पास में पावर था। ठीक है, उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे सोल्जर्स थे, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया क्या कि आज से
पूरी पावर जो है वो मेरे पास आती है। नवाज शरीफ जो उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें हटा के, और देखो पाकिस्तान का तो सिस्टम ही ऐसा है। इससे पहले जब मैंने ये वीडियो पढ़ाया था, मतलब इस चैप्टर को पढ़ाया था, तब उसमें मैंने हिंट भी दिया था कि अभी तो पटरी पे चल रही है पाकिस्तान की गाड़ी, लेकिन भरोसा नहीं है कब तक चलेगी, ठीक है, कब पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं। और वो हो गया, अब इमरान खान की जैसे आप देखोगे गादी गई, ठीक है। तो इस तरह से बड़े डाइसी से सिचुएशन है पाकिस्तान के केस में, ठीक है, बड़े डाइसी से सिचुएशन है। तो यहां जैसे आप देखोगे जनरल परवेश मुशर्रफ जो है, तो जनरल परवेश मुशर्रफ ने 1999 में एक मिलिट्री कूप किया। अब जनरल परवेश मुशर्रफ के इस मिलिट्री कूप का एडवांटेज, मतलब कंसिक्वेंसेस क्या हुए, कंसिक्वेंसेस ये हुए कि ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इन्होंने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी नवाज शरीफ की, उसको पलटा दिया और अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया किस तरह से, चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह से। चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव की कोई पोजीशन नहीं होती, तो उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर लिया। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट इन 2002 एंड हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने एक रेफरेंडम करवा लिया, रेफरेंडम करवा के उन्होंने ये भी कर दिया कि आज से मैं प्रेसिडेंट हूं। रेफरेंडम क्या होता है वो मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है, मैं एक एक टुकड़े में जोड़ते जाऊंगा फिर बड़ी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। तो इन्होंने एक रेफरेंडम ऐसा करवाया कि यार चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन जानता है, प्रेसिडेंट बनता हूं ना, अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करके एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम मतलब एक सिंपल सी वोटिंग होती है, यस और नो में। मान लो जैसे क्या हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि चलो आज से मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा हूं, अब मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा हूं, मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या आप लोग मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाने में इच्छुक है, हाँ या ना बोलो बस, तो आपने हाँ बोल दिया, तो वो रेफरेंडम मैंने कंडक्ट करवाया और आपने हाँ बोल दिया, तो बोल दूंगा कि रेफरेंडम का अप्रूवल मिला है मुझे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के बाद में खुद पावर में अपने आप को एस्टैब्लिश करके एक रेफरेंडम भी खुद ही करवा के अपने आप को प्रेसिडेंट की पोजीशन दे देना, ठीक है। और ये जो रेफरेंडम हुआ ना, चलो लोग ये भी बोलते कि आप रेफरेंडम करवा रहे हो तो हम जनता को पता चल जाएगा, लेकिन वो रेफरेंडम में भी क्या है, मीडिया जो था, ठीक है, जो अपोजिशन था, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि रेफरेंडम भी गलत है, रेफरेंडम खुद अपने आप में डेमोक्रेटिक नहीं था, इन्होंने हाँ या ना पूछा और लोगों को हाँ ही बोलने का ऑप्शन दिया, बस ना बोल ही नहीं सकते, तो यू कैन नॉट शो योर डिसकंटेंट। और इस तरह से जनरल परवेश मुशर्रफ ने अपने पास में पावर ले ली। ये कहानी पाकिस्तान की कहानी क्यों सुनाई है, अब यहां पे कनेक्ट करना, ठीक है। 2002 में प्रेसिडेंट बनने के बाद में ही पास्ड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, अमेंड करना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने के बाद में अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें क्या बोला कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके जो इलेक्टेड लीडर्स आए हैं, ठीक है, ये नेशनल और ये जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, ये इलेक्टेड लीडर्स के लिए है। तो प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पे जनरल परवेश मुशर्रफ जो कि एक नॉन इलेक्टेड सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर बने, उन्होंने क्या बोल दिया कि ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के हिसाब से मेरे पास इतनी पावर है कि अब मैं क्या कर सकता हूं, सस्पेंड कर सकता हूं, डिसमिस कर सकता हूं जो इलेक्टेड लीडर्स आए उन्हें, ठीक है। और डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी इज अबाउट पीपल्स रूल, इलेक्टेड लीडर जो है वो पीपल को दर्शा रहे हैं, ये पीपल को नहीं दर्शा रहे, ठीक है। तो द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। यहां मिलिट्री ऑफिसर्स का दबदबा, ठीक है, वही अपने मतलब भाई बिरादरी को बढ़ाएंगे आगे। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं मिलिट्री ऑफिसर था तो अपने जो बचे हुए दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे काम को सिविलियन कैबिनेट को सुपरवाइज करेगा। मतलब कुल मिला के कंट्री को अब कौन चला रहा था, आर्मी चला रही थी, 2002 की बात कर रहे हम, ठीक है, आर्मी चला रही है। इलेक्शंस वर हेल्ड इन पाकिस्तान बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेश मुशर्रफ हिमसेल्फ, ठीक है। तो इलेक्शंस होते थे लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती थी वो हमेशा जनरल परवेश मुशर्रफ अपने पास रखते थे। तो ये स्थिति हुई कहां, पाकिस्तान में। अब इस पूरी स्थिति को एनालाइज करो, आप खुद पूरी स्थिति को एनालाइज करो, तो अब पूरी स्थिति को एनालाइज करने पे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान जो है ना जनरल परवेश मुशर्रफ के अंडर में किसी भी सेंस में से डेमोक्रेसी तो नहीं बोलोगे आप, नहीं बोलोगे ना, ठीक है, किसी भी सेंस में से आप डेमोक्रेसी नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, मेरा सवाल आपसे ये है। अच्छा तो है, सब कुछ तो हुआ, इलेक्शन विलेक्शन सब हुआ, फिर आप डेमोक्रेसी क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है। आप बोलोगे सर आप बड़े चालाक हो, ठीक है, एक तो खुद हमें घुमा देते हो, एक पॉइंट पे खड़ा कर देते हो और हमसे सवाल पूछ लेते हो। तो आपको सवाल खुद ही पूछना है, खुद ही जवाब देना है। कैसे, यहां पे आप जनरल परवेश मुशर्रफ के अंडर में जो कह सकते हैं इलेक्शन हुए या फिर जो डेमोक्रेसी रही उसे डेमोक्रेटिक, मतलब जो भी सब कुछ हुआ पाकिस्तान में उसे डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि यहां पे डेमोक्रेसी में आप जो एक बेसिक एसेंस देखते हो,
एक जो डेमोक्रेसी का फीचर देखते हो ना वो मिसिंग है. क्या मिसिंग है? कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उस इंसान के पास रहना चाहिए जिसे लोगों ने चुना है. और जनरल परवेश मुशर्रफ को ना तो लोगों ने चुना, जो उन्होंने रेफरेंडम करवाया वो भी अनडेमोक्रेटिक था, और उल्टा वो क्या कर रहे हैं, जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग हैं उन्हें हटा दे रहे हैं. ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो इलेक्शंस हो भी रहे हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर जो है जनरल परवेश मुशर्रफ और उनके द्वारा जो मिलिट्री ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया वो ले रहे हैं, जो कि लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं. तो डेमोक्रेसी में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल्स रूल एंड दैट पीपल्स रूल इज मिसिंग ओवर हियर. तो इन द सेंस वी कैन से हम एनालाइज करके कह सकते हैं कि पाकिस्तान अंडर जनरल परवेश मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. इसे डेमोक्रेसी आप बिल्कुल किसी भी तर्क पे कह ही नहीं सकते हो. समझ में आया ना? तो व्हाई डेमोक्रेसी अंडर जनरल परवेश मुशर्रफ शुड नॉट, व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेश मुशर्रफ शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज डेमोक्रेटिक. तो क्वेश्चन अब कैसा भी बने, व्हाट वर द प्रोविजंस इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ऑफ 2002, क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, ठीक है, व्हाट डिड जनरल परवेश मुशर्रफ डू आफ्टर टुक आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्वेश्चन बनेगा. तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है. ठीक है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान हाउ द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल विच वॉज मिसिंग इन पाकिस्तान. क्वेश्चन जो होता है वो बहुरूपिया होता है, वो किसी भी शब्द में बन के आ सकता है. जो जरूरी है, जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप क्वेश्चन को समझो, उसकी नीड को समझो, उसके अकॉर्डिंग क्या करो, रिस्पॉन्ड करो, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करो. समझ में आई मेरी बात? क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो चीज को हमेशा ध्यान रखना. अब जैसे हम बात करें क्या फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन की, तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन की बात करें तो ये दूसरा फीचर आपको यहाँ पे निकल के आएगा आपके सामने. दूसरे फीचर की अगर हम कहानी को समझे तो दूसरे फीचर में क्या है, चाइना हमारे सामने एग्जाम्पल. ठीक है, चाइना हमारे सामने एक एग्जाम्पल है किस चीज का, कि क्या चाइना में जो इलेक्शन हुए वो डेमोक्रेटिक है? क्या चाइना को आप डेमोक्रेसी कह सकते हो? हाँ, चाइना तो सर छाती पीट पीट के चिल्लाता है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब कहता तो यही है वो, लेकिन वो क्यों नहीं है वो हम देखते हैं. ठीक है, तो जैसे हम क्या देखेंगे, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये डेफिनेशन थी. तो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो जो इलेक्टेड में इलेक्टेड वर्ड है क्या वो इलेक्शन भी जेन्युइन होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या वो इलेक्शन भी जेन्युइन होते हैं, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो चाइना का एग्जाम्पल है और एक मेक्सिको का एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है हमारे पास. दोनों कहानी सुनो पहले अच्छे से. तो इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट, शाबाश, हर 5 साल में इलेक्शन करवा रहे हैं, डेमोक्रेटिक है सर ये तो. लेकिन इलेक्शन जो आप करवा रहे हो तो वो इलेक्शंस करवा लेने से डेमोक्रेसी नहीं बन जाएगी, क्या होना चाहिए, वो इलेक्शंस का नेचर भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए. कैसे? तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्वांगो रिंग मिन दायवाओ दुआए. ठीक है, अब ये पूरा याद नहीं रखना है. ठीक है, ये ध्यान रखना है नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ये चाइना की पार्लियामेंट है, इसके लिए जो इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में. तो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, वाह भाई सब कुछ डेमोक्रेटिक सुनाई दे रहा है अभी तक तो. ठीक है, नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना, पूरे चाइना से 3000 लोग इलेक्ट होकर आते हैं. इलेक्शन हो रहा है जब भी तो 3000 लोग इलेक्ट होकर आ रहे हैं, फिर भी नॉन डेमोक्रेटिक बोल रहे हो. सर दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन वो तो डेमोक्रेसी दिख रही ना, नहीं नहीं है डेमोक्रेसी, क्यों नहीं है समझाता हूं देखो. ठीक है, तो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002-2003. मतलब ये बताया जा रहा है इलेक्शंस होंगे, 3000 रिप्रेजेंटेटिव्स भी इलेक्ट होकर आएंगे. ठीक है, जो पार्लियामेंट रहेगी नेशनल पीपल्स कांग्रेस वही कंट्री का प्रेसिडेंट भी तय करेगी. ठीक, लेकिन जो इलेक्शन लड़ सकता है वो इंसान को सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से. ठीक है, वहां पे मतलब क्या है, वहां पे ऑप्शन यही है, या तो आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे दो, या तो आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे दो, या तो आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे दो. आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन नहीं है. तो ये मतलब कैसा हो गया बेटा, घूमने कहाँ चलना है, चलो रोड पे घुमा के ले आता हूँ, चलो रोड पे घुमा के ले आता हूँ, चलो रोड पे घुमा के ले आता हूँ. तो आप बोलोगे पापा फिर ऑप्शन क्यों दे रहे हो, घुमाने क्यों ले जा रहे हो, आप तो झूठ मूठ का काम कर रहे हो. ठीक है, तो वही केस यहाँ पे रहता है कि चाइना में इलेक्शंस करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, लेकिन लोगों के पास जब चॉइस ही नहीं होगी, सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही डोमिनेट करेगी. ठीक है, मतलब जो भी इलेक्शन लड़ेगा तो उसे अप्रूवल चाहिए रहेगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, या फिर जो दूसरी और 8 smaller अलाइड पार्टीज है उनका. तो इस सेंस में क्लियरली मैसेज क्लियरली विजिबल है. क्या ये मैसेज क्लियरली विजिबल है कि गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अलावा और कोई बना ही नहीं सकता है. गवर्नमेंट जो बनेगी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी, उसके अलावा किसी और की
नहीं बन सकती है। अब ये आपको ये एग्जाम्पल आपने देख लिया, समझ लिया, इस एग्जाम्पल को, इस कहानी को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये उनकी पार्लियामेंट भव्य दिख रही है लेकिन क्या है, अंदर से खोखली है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं मैक्सिको का। तो मैक्सिको में भी क्या देखने को मिल रहा है कि मैक्सिको में इंडिपेंडेंस मिल जाती है 1930 में, और तब से हर 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं मैक्सिको में। बहुत बढ़िया, यहां भी इलेक्शन हो रहे हैं सर, ठीक है। लेकिन क्या होता है, द कंट्री हैज बीन नेवर अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, ना कोई मिलिट्री ना कोई डिक्टेटर। चलो चाइना में तो आपको देखने को मिल रहा है कि शी जिनपिंग ने अब लाइफ टाइम के लिए अपने पास पावर ले लिए, ठीक है। लेकिन यहां तो ऐसा भी नहीं था, यहां तो बराबर इलेक्शन होते थे, प्रेसिडेंट भी बदलते थे, लेकिन ठीक है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज बॉर्न बाय PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। ये PRI का इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कैसे हो गया, तो PRI पीछे से PRI हो गया, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। मैक्सिकन लैंग्वेज में कुछ ऐसे ही लिखते हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो अब यहां जैसे अगर आप देखोगे तो यहां क्या बताया गया है कि यहां पर मैक्सिको के केस में क्या हुआ कि 1930 से 2000 तक 70 सालों तक एक ही पार्टी जीतते आई है, दूसरी पार्टी जीती ही नहीं। बोलोगे सर पॉपुलर होगी, वो पॉपुलर होगी, चलो अगर पॉपुलर होती तो हम ये भी मान सकते थे कि हाँ पॉपुलर है इसके लिए जीतते आ रही है। लेकिन क्या होता था, लेकिन होता क्या था यहाँ पे, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, आप बोल सकते हो कि जीत रही है तो जीतने दो ना, आपको क्यों दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ पे समस्या ये है कि PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, ठीक है। PRI जो जीत रही थी ना, तो वह ईमानदारी से नहीं जीत रही थी, गलत तरीके से जीत रही थी। और जब आप गलत तरीके से जीतते हो तो डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर भी है, इलेक्शन भी है, लेकिन वो इलेक्शन अगर डर्टी ट्रिक्स की मदद से जीते जा रहे हैं, जैसे 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 PRI हो गया, ये मेक्सिको, मेक्सिको जानते हो ना, USA के जस्ट नीचे, ठीक है। तो जैसे क्या वो गलत तरीके का इस्तेमाल करते थे कि वहां पे जो PRI था, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के जो लीडर्स थे, तो वो वहां पे गवर्नमेंट इस तरह से बनाते थे कि जो सारे टीचर्स वगैरह है उनसे बोला जाता था कि आप हमारा बच्चों को बताओ, मतलब बच्चों के पेरेंट्स को प्रेशराइज करो कि हमें वोट दे, ठीक है। लास्ट मिनट पे क्या है, जो पोलिंग बूथ्स वगैरह होते थे उनकी जगह बदल दी जाती थी, ठीक है, उनकी जगह बदल दी जाती थी, कोई वर्दी अपोनेंट रहता था उसे डराया धमकाया जाता था, ये गलत तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। अब आपने चाइना और मैक्सिको दो केस देखे, चाइना और मैक्सिको के दो केस देखे। अब दो केस देखने के बाद में आपने क्या सीखा ये बताओ, दो केस देखने के बाद में आपने ये सीखा, चाइना का केस और मैक्सिको का केस, दोनों ही जगह इलेक्शन हो रहे हैं, दोनों ही जगह क्या है, जैसे अगर आप देखोगे फिक्स पीरियड पे इलेक्शन हो रहे हैं, दोनों जगह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, लेकिन फिर भी हम दोनों को ही डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे, ठीक है। चाइना को आज भी डेमोक्रेटिक नहीं कहते हैं और मैक्सिको को ईयर 2000 तक, जब तक PRI को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक दिया गया, तब तक डेमोक्रेटिक नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही जगह क्या है, ठीक है, शुड वी कंसिडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, नो, एब्सोल्युटली नो। क्यों, क्योंकि यहां पे पीपल आर नॉट इलेक्टिंग देयर लीडर्स, ठीक है। देखने में दिख सकता है ऐसा कि हाँ लोग ही तो इलेक्ट कर रहे थे सर वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, लेकिन लोगों के पास क्या ऑप्शन था, नहीं था, लोगों के पास में ऑप्शन नहीं था। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहां पे, हम यहां पे बहुत सिंपल सी चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। एक एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पाकिस्तान वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया कि डेमोक्रेसी का एक फीचर क्या होता है कि जहां पर जो डिसीजन लेने की पावर है ना, वो कोई भी इंसान ना ले, सिर्फ वही इंसान ले जो इलेक्टेड बाय द पीपल है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। इलेक्शन के द्वारा ही लोगों के पास पावर आना चाहिए डिसीजन लेने की। और वो जो इलेक्शन हो रहा है, दूसरा फीचर निकल के आ रहा है, दूसरा फीचर क्या निकल के आ रहा है कि वो जो इलेक्शन हो रहा है, लास्ट में मैं समराइज करवाऊंगा एक बार, ठीक है। दूसरा फीचर ये निकल के आ रहा है कि वो जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि जो आज पावर में है, दोज हु आर करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जो आज पावर में है ये पूरा पूरा चांस हो कि वो कल पावर से हटाए भी जा सके। अगर आप सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाओ कि आपको कोई हटा ही ना सके, तो आप किसी भी मायने में डेमोक्रेटिक नहीं हो, ठीक है। आप फेयर चांस दो ओपोनेंट्स को कि वो आपको कंपीट करके हरा सके इलेक्शन में, ठीक है, तब वो डेमोक्रेसी कहलाता है। समझ में आया, दो फीचर समझ लिए हमने, ठीक है, कि एक तो डिसीजंस इलेक्टेड लीडर्स ले और दूसरा इलेक्टेड लीडर्स डिसीजन ले, साथ ही साथ में दूसरा ये था कि जो आज इलेक्टेड लीडर्स है वो फ्री और फेयर बेसिस पे इलेक्ट होकर आए हुए और कल उनके जाने के भी पूरे पूरे आसार रहे, PRI की तरह 70 सालों तक बैठे ना रहे, ठीक है। अब तीसरा फीचर आता है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब जैसे वही डेफिनेशन को रिकॉल करो, मैंने बताया था एक एक वर्ड से कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी जो द पीपल की बात की जा रही है, तो द पीपल को सच में द पीपल होना चाहिए,
इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्लास जेंडर रिलीजन, ठीक है, इकोनॉमिक कह सकते सिचुएशन पोजीशन की पैसे वाले हैं गरीब हैं, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी द पीपल है उसमें सभी लोग चुने मतलब सभी लोगों के पास में क्या हो, अपने लीडर को चुनने का अधिकार हो, ठीक है। तो वो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू वाला जो टॉपिक है उसे अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं क्या कि दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट देर आर मेनी इंस्टांसेस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट्स ऑफ वोट। ठीक है, क्या हो रहा है कि ये प्रिंसिपल को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है लेकिन उसके बावजूद भी क्या है आपको डिनाइल देखने को मिलेगा किस चीज का, इस प्रिंसिपल का वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड आर्ट डेमोक्रेसीज में आप देखोगे तो मेल फीमेल रिच पुअर, ठीक है, ब्लैक व्हाइट सबको वोटिंग राइट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ देश है जो अपने आपको डेमोक्रेटिक बोलते हैं लेकिन फिर भी क्या है वहां पे इस प्रिंसिपल का डिनाइल है। और ये प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल अगले डेमोक्रेसी के फीचर को, जैसे दो पढ़ लिए, तीसरे डेमोक्रेटिक फीचर को हाईलाइट करता है जिसे हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां क्या है, दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री, येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट वेयर, तो हियर जैसे आप देखेंगे अंटिल 2015 सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। तो अब क्या हो रहा है यहां पे कि सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि यार वी आर डेमोक्रेटिक लेकिन आप महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दे रहे तो कैसे डेमोक्रेटिक, ठीक है, खोखला डेमोक्रेटिक हो। वैसे आप एस्टोनिया की बात करोगे देख लो तो जैसे एस्टोनिया कहां है, ये रशिया के बाजू में यहां पे, तो अब ये रशिया के बाजू में तो क्या है जैसे इंडिया के बाजू में बांग्लादेश है तो बांग्लादेशी इंडिया में रहने लगते हैं, ठीक है, कुछ कुछ। तो वैसे ही क्या है कि जब ये रशिया के बाजू में एस्टोनिया है ना तो यहां पे कुछ रशियंस भी जाके रहने लगे लेकिन एस्टोनिया में क्या होता है, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। तो रशियन माइनॉरिटी के लोगों को सिटीजनशिप तो मिल जाएगी लेकिन उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है, वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। तो ये एक चीज निकल के हमारे सामने क्या कि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। मतलब एस्टोनिया में ये कह दिया कि जो रशिया से माइनॉरिटी आई है ना उन्हें हम, मतलब जो रशिया से लोग आए एस्टोनिया में तो एस्टोनियंस को तो वोटिंग राइट रहेगा, रशियंस को वोटिंग राइट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रशिया के थे। अब वो भले एस्टोनिया में रहने लगे हो लेकिन हम उन्हें वोटिंग राइट नहीं देंगे। तो ये भी क्या है, ये डिनायल है किस चीज का, ये डिनायल है इक्वल वोटिंग राइट का। ठीक है, एक और एग्जांपल फिजी का है। तो फिजी क्या है, आइलैंड नेशन से, कहां पे आप पैसिफिक ओशन में देखोगे तो यहां पे आपको फिजी आइलैंड देखने को मिलेंगे। फिजी आइलैंड में बहुत सारे इंडियंस पहुंच गए। अब बोलोगे सर ये कब हुआ, ठीक है, तो ये ऐसा हुआ कि जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे ना तो ब्रिटिशर्स इन आइलैंड नेशंस पे इंडिया से लोगों को ले जाते थे वहां प्लांटेशन फील्ड में काम करवाने के लिए। जैसे वेस्ट इंडीज में भी बहुत सारे लोगों को ले गए, ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका में ले गए, जैसे श्रीलंका में ले गए। तो वैसे ही फिजी आइलैंड में क्या है, यहां पे इनका जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि जो इंडिजीनियस फिजी है, ठीक है, जो इंडिजीनियस फिजियन है मतलब जो वहीं का था लोकल, उसको वोटिंग राइट ज्यादा रहता है, उसका वोट का वैल्यू ज्यादा रहता है, ठीक है, देन दैट ऑफ इंडियन फिजियंस। तो जो बाहर से कह सकते हैं दूसरे देशों से प्लांटेशन वर्कर्स की तरह लाए थे जिनको वहां पे 100-150 साल हो गए, जिनके पूर्वज वहां से थे, तो लेकिन वो अब यही कहेंगे ना कि जैसे कहा है कि इनके रूट्स इंडिया में थे तो ये इंडियन फिजियंस कहलाएंगे, बजाय उसके कि वो वहां पे 50 सालों से, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वोट को वैल्यू नहीं दिया जाता, उन्हें ये क्या कंसिडर किया जाता है कि दे आर नॉट इंडिजीनियस फिजियंस, दे आर इंडियन फिजियंस, और इसी के चलते उनको इक्वल वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। अब ये तीन एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए, तीनों एग्जाम्पल में से कॉमन कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है, कॉमन कंक्लूजन निकाला जाता है कि किसी ना किसी बेसिस पर इक्वल वोटिंग राइट को क्या किया गया, किसी ना किसी बेसिस पर इक्वल वोटिंग राइट को डिनाई किया गया है यहां पे। अब जब आप बेसिस कुछ भी रख लो लेकिन आप डिनाई कर रहे हो इक्वल वोटिंग राइट को, तो इससे ये क्लियरली प्रूव हो रहा है कि दीस टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स आर नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, दीस टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, अब एक सवाल बनता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी? तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड लीडर्स रहते हैं, वो इलेक्टेड लीडर्स क्या, वो इलेक्टेड लीडर्स नहीं, डेमोक्रेसी में लीडर्स को इलेक्ट करने की सबको समानता मिलती है, सबको बराबर बराबर इक्वल राइट्स रहते हैं, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की। जब आप वोटिंग देने जाते हैं तो आप किसी भी धर्म कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप एक समान है, आपका वोट सबका इक्वल रहता है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट टू वोट जो रहेगा सबका बराबर रहेगा, सारे सबके अधिकार बराबर रहेंगे। इसी के चलते क्या है, इसी के चलते ये जो देशों में आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा राइट टू वोट में, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज अगेंस्ट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। हियर वी गेट द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वो क्या है, थर्ड फीचर क्या है कि ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो कोई भी डेमोक्रेसी सिर्फ डेफिनेशन से डेमोक्रेसी नहीं बन जाती है,
उसे इस एस्पेक्ट पे भी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो जो द पीपल का नोशन है वो द पीपल का नोशन में सभी लोग आना चाहिए, सभी लोगों के इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये थोड़ा सा समझना अच्छे से, ठीक है। यहां पे जो एग्जांपल दिया, यहां पे जो कहानी दी है, यहां कहानी दी है आपको जिम्बाब्वे की, ठीक है। जिम्बाब्वे कहां है, तो जैसे आप देखोगे अफ्रीका में, यहां पे जिम्बाब्वे है, कंट्री है, ठीक है। जिम्बाब्वे की टीम पहले क्रिकेट टीम बहुत छक्के मारती थी, अब कमजोर हो गई है, लेकिन एक समय पे दबदबा था इनका, तो अब वो क्रिकेट नहीं खेलना है, समझना हमें क्या है डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से। तो जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 में आजादी मिली, लेट आजादी मिली। यहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जानू पीएफ, ठीक है। तो ये जो जानू पीएफ पार्टी बनी, तो दी पार्टी दैट लेड दी फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल दी कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जानू पीएफ के लीडर कौन थे, और जानू पीएफ के लीडर का नाम था रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। तो जानू पीएफ का लीडर कौन था, रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, लेड दी फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल दी कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। तो अब देखो क्या है, पॉपुलर लीडर है, आजादी दिलाई देश को, तो ये तो डेमोक्रेटिक होंगे ही होंगे, ठीक है। इन्हें नॉन डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं सर हम, लेकिन उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते थे, इलेक्शंस भी करवाते थे, तो इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानू पीएफ। तो आप बोल सकते हैं सर जानू पीएफ ने जब आजादी दिलवाई इस पॉलिटिकल पार्टी ने तो वही जीतेगी, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगेन वही वाली बात है कि हम तो मानेंगे नहीं ना कि यार तो इतना अच्छा समान है, सब कुछ सिस्टम पूरा बढ़िया चल रहा है, ठीक है, जानू पीएफ ने आजादी दिलवाई है तो वही जीत के आएगी ना सर, ये तो स्वाभाविक है। इंडिया में जैसे आप बोलते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आजादी दिलवाई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कितने समय तक दबदबा बनाए रखा ना उसने, वैसे यहां पे भी होता होगा, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत है क्या, दिक्कत है जैसे यहां पे रॉबर्ट मुगाबे को देखो, तो रॉबर्ट मुगाबे को जैसे देखेंगे निंजा टर्टल टाइप से थोड़े से दिख रहे हैं, ठीक है, विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे तो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, सवाल हो जाता है। तो प्रॉब्लम यहां पे ये है कि प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस, ठीक है। तो रॉबर्ट मुगाबे नो डाउट पॉपुलर थे, उन्होंने देश को आजाद दिलवाया, आजादी दिलवाई, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, उसके बावजूद भी उनके अंडर में आप जो कह सकते हैं इलेक्शंस हो रहे हैं उन्हें डेमोक्रेटिक नहीं कहोगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने अनफेयर तरीके से, तो वो जो सेकंड फीचर हमने पढ़ा था ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरह से रूल कर रहे थे ना, वो रूल उनका रूल करने का तरीका उनके गवर्नमेंट को उनके रूल को अनडेमोक्रेटिक बना देता है। कैसे रूल कर रहे थे, मारपीट रहे थे क्या लोगों को, चलो समझते हैं। देखो क्या, हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। मतलब जब वो पावर में आया तो उन्होंने बोल दिया कि पावर अपने को कहां से मिल रही, कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन बदल लो, पूरी पावर अपने पास ले लो। तो यहां पे आपको क्या है, यहां पे चीज ध्यान रखना होगी, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना कि लॉ ऑफ रूल बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मतलब ये रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ क्या डिफरेंस क्या है सर, समझ नहीं आया। देखो एक तो क्या है, जैसे आज हम देखते हैं आज सरकारें आएंगी जाएंगी, देश चलता रहेगा हमारा, ठीक है, कैसे चलता रहेगा, क्योंकि जब देश बन रहा था तब जो संविधान लिख दिया गया था संविधान को हम आज भी क्या मानते हैं, ठीक है, आज भी हम सर्वोत्तम मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, उसी के हिसाब से काम चल रहा है। मतलब देयर इज रूल ऑफ लॉ, देयर इज रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो गवर्नमेंट, नो प्राइम मिनिस्टर, नो प्रेसिडेंट इज अबव दैट लॉ, ठीक है, सबसे ऊपर लॉ है। लेकिन यहां पे क्या कर दिया रॉबर्ट मुगाबे ने, जज्बात पलट दिए। कैसे पलट दिए, तो रॉबर्ट मुगाबे ने यहां पे सिंपल सी चीज क्या कर दी, उन्होंने बोल दिया कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरा वचन ही शासन होना चाहिए। रॉबर्ट मुगाबे ने क्या कर दिया, ये बोल दिया कि मैं जैसा लॉ बनाऊंगा ना वैसा रूल चलेगा, ठीक है। तो हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे क्या हो गया, आप अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि आज मैं इलेक्ट होकर आ गया, कल को मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, बोल दिया कि नहीं यार इलेक्शन इलेक्शन में मजा नहीं आता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिख देते हैं अपन की इलेक्शन होंगे नहीं, और फिर हम क्या बोलेंगे, देखो हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहे कि इलेक्शन नहीं होंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, लॉस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, नो वन शुड बी अबव द लॉ, वो रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए जो हम समझेंगे रूल ऑफ लॉ, ठीक है, वो नहीं था यहाँ पे, वो खत्म हो गया ना। ये अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड, अपोजिशन को क्या किया जाता था, परेशान किया जाता था, पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज नहीं उठा सकते हो, ठीक है, गला दबा दिया जाएगा आपका। अगली चीज क्या है, टेलीविजन रेडियो वगैरह जो था, ठीक है, तो टेलीविजन और रेडियो वगैरह जो थे तो देवर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, सब बिक गया, ठीक है। ये तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि मीडिया वगैरह ये सारी चीजों को सबसे पहले जब आपको पावर अपने हाथ में कसना पड़ती है ना, कसना होती है, तो आप मीडिया को टेलीविजन को खरीदना चालू कर देते। वही किया रॉबर्ट मुगाबे ने, क्या कि मीडिया वगैरह सिर्फ सरकार को ही प्रेस करती रहती थी, ठीक। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जजेस वगैरह जो है
जो उनके अगेंस्ट में जजमेंट सुना देते थे, तो उन्हें भी प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। कुल मिला के गवर्नमेंट ने सारी पावर जो है अपने पास कंसंट्रेट कर लिए, ठीक है, रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, तो इंडिविजुअल्स को जैसे मारा जा रहा, परेशान किया जा रहा, उन्हें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है, उनको डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो इन सारी चीजों से आपको क्या समझ में आया कि राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। इवेंचुअली क्या होता, 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को क्या कर दिया, ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया था, ऐसे धक्का मार के नहीं निकाला गया था, मतलब समहाउ पीपल मैनेज टू ओवरथ्रो रॉबर्ट मुगाबे एंड एस्टैब्लिश द अनदर गवर्नमेंट। तो इस तरह से क्या जानू पीएफ को हटा दिया गया। अब अगर आप इसे एनालाइज करोगे तो क्या सीखोगे एनालाइज करने पे, एनालाइज करते अगर जिम्बाब्वे का एग्जांपल, तो हम ये सीखते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, ठीक है। क्या है ये सबसे अच्छी चीज है मुझे जो लगी है कि नो डाउट इलेक्शंस बराबर हुए, डेमोक्रेसी आजादी दिलवाई, उन्होंने सब कुछ किया, ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट थी जानू पीएफ की रॉबर्ट मुगाबे की। लेकिन एक बार पावर में आने के बाद पता है पावर की सबसे बड़ी सबसे खराब बात क्या है पावर की, कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। एक बार पावर आ जाती ना तो आदमी फिर और कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, वही यहां पे हुआ कि पॉपुलर गवर्नमेंट थी लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट होने के साथ साथ वो अनडेमोक्रेटिक भी हो गई, ठीक है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, जो पॉपुलर लीडर है जिन्हें लोगों ने चुन के पहुंचाया है वो वहां पहुंचने के बाद में अत्याचारी हो सकते हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। व्हाट वंडरफुल लाइंस आर रिटन इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स आर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, रूलर्स का समझ लिया, इलेक्टेड समझ लिया, पीपल समझ लिया फ्यूचर में। लेकिन एक फीचर ये भी है कि आप इलेक्शंस फ्री एंड फेयर देख रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद में भी देखो। उसके पहले उसके बाद में मतलब क्या है कि इलेक्शन से इलेक्ट होकर जो गवर्नमेंट आई है, क्या वो इलेक्ट होने के बाद में अत्याचारी तो नहीं हो जा रही है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक दैट द इलेक्शन लुक एट द इलेक्शन बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। और ये समझ में आया ना क्या है। तो इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो जिम्बाब्वे में गवर्नमेंट थी इट वॉज नॉट ए डेमोक्रेटिक अंडर रॉबर्ट मुगाबे। तो चौथा फीचर हमारा ये निकल के आता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी अ गवर्नमेंट विच रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए एंड सिटीजन्स राइट। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होगी जो सिटीजन्स के राइट्स के अकॉर्डिंग रूल करे, वो उन लिमिट्स के अकॉर्डिंग रूल करे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किया है, सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करे। चलो तो ये यहाँ पे हमारे एग्जाम, ये बड़ी अच्छी बात कही सर आपने, ठीक है। तो अच्छी लगी कि नहीं लगी बताना। तो ये चारों पांचों एग्जाम्पल्स जो थे उन सबको खत्म करने के बाद में हम इस पार्ट पर आ गए हैं। किस पार्ट पर आ गए हैं, इन चारों पांचों एग्जाम्पल्स को खत्म करने के बाद में हम चैप्टर के इस पार्ट पे आ गए हैं जो क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी समरी डेफिनेशन, ठीक है। अब आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, चार पांच एग्जाम्पल्स है, आपने डेमोक्रेसी को अलग अलग डोमेन में समझने की कोशिश करिए, ठीक है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बेसिक हमारी वही थी। तो अब क्वेश्चन क्या बनता, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, क्या होता है कि जैसे इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन बन जाएगा कि वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 का क्या था, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि व्हाई इलेक्शंस इन चाइना कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट वर द ट्रिक्स, व्हाट वर द डर्टी ट्रिक्स यूज्ड बाय रॉबर्ट मुगाबे टू विन इलेक्शंस, ठीक है। तो हु वाज रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, हाउ हिज रूल कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक रूल। तो क्वेश्चन अंदर से कैसा भी बन सकता है, ठीक है, वो आपको मैंने आपको समझाते गए चीजें, तो वहां समझ में आ गई। एक बड़ा क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे वो ये बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स, एक्सप्लेन डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। वही शब्द तो क्या है, क्वेश्चन जो है वो बहुरूपिया किन्हीं भी शब्दों में आ सकता है, लेकिन आपको बड़ी पिक्चर एसेंस समझ में आई। तो एसेंस अगर समझ में आई है तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का फीचर ये रहा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। और उसके फीचर्स क्या हो जाएंगे कि वो जो रूलर्स हैं इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड ओनली टेक मेजर डिसीजंस, ठीक है। डिसीजंस कौन ले, जिसे लोगों ने चुना है, ठीक है। तो यहां पे जो रूलर्स आए हैं, ये रूलर्स ऐसा नहीं है कि बस सेल्फ प्रोक्लेम्ड होना चाहिए, ये वो रूलर्स होना चाहिए जो लोगों के द्वारा चुने गए और वही निर्णय लें, सिर्फ निर्णय लेने की शक्ति उन्हीं के पास रहना चाहिए। दूसरा, ये पाकिस्तान के एग्जांपल से देखा हमने कि जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ, ही वाज नॉट इलेक्टेड, स्टिल ही बिकेम द रूलर एंड स्टिल ही वाज टेकिंग द डिसीजंस, तो दैट वाज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ठीक है। अगली चीज क्या है, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर, ठीक है। दूसरा फीचर जो हमने देखा, जैसे चाइना और मेक्सिको के केस में देखा क्या, कि इलेक्शंस जो हैं दे शुड ऑफर चॉइस टू द पीपल कि जो आज पावर में उसे बदला जा सके। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, ठीक है, एंड वेयर
All those who are currently in power should have a fair chance of losing. मतलब जो आज पावर में नहीं उनके जीतने के भी चांसेस हो और जो आज पावर में उनके हारने के भी चांसेस हो. चाइना और मेक्सिको के एग्जाम्पल से आपने सीखा. साथ ही साथ this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. One person, one vote, ठीक है, one value. वो वाला जो principle है, जैसे मेक्सिको, जैसे आपने सऊदी अरेबिया, फिजी, एस्टोनिया के केस में देखा, ठीक है. तो तीसरा फीचर ये निकल के आता है क्या, कि डेमोक्रेसी में आप जो इलेक्शंस करवा रहे हैं वो इलेक्शंस के द्वारा रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, तो जो इलेक्शन में वोट दे रहे हैं ना वो सभी इक्वल बेसिस पर उनके वोट की वैल्यू होना चाहिए. वो चीज आपने यहां सीखी. और चौथी चीज जो है वो क्या है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस. इस चॉइस की, किस चॉइस की, कि आप लीडर्स को इलेक्ट कर पा रहे हैं. द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट. तो जो चौथा अभी जिम्बाब्वे वाला केस पढ़ा हमने, क्या कि ये जो आप चॉइस दे रहे हो लोगों के कि आप लीडर्स को इलेक्ट कर लो, तो वो चॉइस के साथ साथ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी पावर होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि रहे, ठीक है, सुप्रीम रहे, साथ ही साथ सिटीजंस के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए. तो ये जो हमने चारों फीचर्स पढ़े यहां तक, देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि चैप्टर अब ट्रांजिशन लेने वाला है, चैप्टर ट्रांजिशन लेने वाला है. तो आपने डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स समझ लिए. यहां से अगर स्टार्ट करें हम, तो यहां से अगर स्टार्ट करें तो डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग किसके पास रहना चाहिए, दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है आपकी बुक में, ठीक है. वैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए. फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के साथ साथ में जो आज पावर में उनके पास फेयर चांस हो कि वो कल पावर से हटाया जा सके. साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए. हर अडल्ट सिटीजन के वोट की इक्वल वैल्यू होना चाहिए. और उसी के ऊपर, और उसी के ऊपर सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना, इट शुड बी गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या होना चाहिए, इट शुड रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शुड रिस्पेक्ट द सिटीजंस राइट. तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट समरी डेफिनेशन. ठीक है, यहां पर इतनी चीज समझ में. अब आगे क्या कहानी चालू होती है हमारी, वाई डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. अब यहां से हमारा चैप्टर जो है एक अलग जोन में चले जाता है. तो वाई डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी जो है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने बेसिकली वो सारी चीज समझ ली कि डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है. ठीक है, समरी डेफिनेशन कवर कर लिया. अब बारी आती है वाई डेमोक्रेसी. ठीक है, वाई डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, वाई डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. तो ये वाला जो पार्ट था चैप्टर का, वॉट इज डेमोक्रेसी, ये हो गया कंप्लीट. वाई डेमोक्रेसी से अब क्या करेंगे, हम चीजें स्टार्ट करेंगे. तो डेमोक्रेसी अच्छी है, डेमोक्रेसी बुरी है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं. अगर अच्छी है तो क्यों है, बुरी है तो क्यों है. तो पहले बुरी से शुरू करते हैं कि ठीक है, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. और अब मेरी बात सुनो, यहां पे, यहां आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है, पांच नंबर में, तीन नंबर में, किसी भी तरह से क्या है, टीचर जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे पूछ ही लेते हैं कि व्हाट आर द डीमेरिट्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ठीक है, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. किसी भी तरह से सवाल बने, मैंने आपको एसेंस दे दिया कि कैसे सवाल बन सकता है. तो अब अगर पॉइंटर्स देखें हम कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि डेमोक्रेसी के ये डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो पॉइंट्स ये दिए हैं. देखो, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में लीडर्स बदलते रहते हैं. अब जब लीडर्स बदलते रहते हैं तो उसके चलते क्या होता है, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर लीडर जो आएगा डेमोक्रेसी में वो कितने समय के लिए आएगा, या फिर वो कितने समय का विजन रखेगा अपना, 5 साल का. उसे लगता है कि 5 साल निकालना है, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद में सोचेंगे. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है कि लीडर्स बदलते रहते हैं, और वो जो लीडर्स बदलते रहते हैं तो उसके चलते आपको इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. दूसरा डिसएडवांटेज, दूसरा डीमेरिट जो है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि डेमोक्रेसी में सब पावर प्ले का खेल है पूरा. ठीक है, सब चाहते हैं कि अपने पास पावर कंसंट्रेट कर ले. मोरालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं रह जाता यहां पर. ठीक है, मोरालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं रह जाता है. जीतना है तो कैसे भी जीत जाओ. ठीक है, उस तरह की स्थिति हो जाती है. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. मोरालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं रह जाता है. सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेटेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज. और क्या होता है, अब एक समस्या ये है, क्या होता है कि डेमोक्रेसी में, आपने एक वो जामुन का पेड़ वाली कहानी पढ़ी होगी आपकी हिंदी की बुक में, जब आप छोटे थे तब पढ़ी होगी ये. उसमें क्या होता है, जामुन का पेड़ में, कि वो डेमोक्रेसी के ऊपर एक सटायर है, एक पेड़ गिर जाता है एक इंसान के ऊपर, ध्यान आ रहा है कुछ, तो फिर क्या, उसको हटाने के लिए वित्त मंत्रालय से पूछो, विदेश मंत्रालय से पूछो, फाइल घूमती रहती है. स्थिति कुछ ऐसी होती कि भाई जल्दी करो, सुबह पनवेल निकलना है, लेकिन रिजल्ट हाथ नहीं आता, और अल्टीमेटली वो आदमी जो अपनी जान गंवा देता है. तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि डेमोक्रेसी का एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन डिबेट्स, डिस्कशंस, कंसल्टेशंस.
ठीक है, तो आप इतना कंसल्ट करते हो, इतना कंसल्ट करते हो कि मतलब ऐसा होता है जल्दी मार हथौड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, तो वो लोहा ठंडा हो जाएगा हथौड़ा जल्दी मार, तो उस टाइप की कहानी रहती है यहाँ पे क्या कि इतना डिले होता है, वो डिले होने के चक्कर में क्या है कि एसेंस खत्म हो जाती है चीजों की। तो सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज, ये तीसरा डिसएडवांटेज हो गया। चौथा डिसएडवांटेज क्या है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। इलेक्टेड लीडर्स जो रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें ये नहीं पता रहता कि बेस्ट चीज क्या होगी, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट होकर आए तो आपको हर चीज का ज्ञान हो। इलेक्टेड लीडर्स जब बेस्ट इंटरेस्ट नहीं जानते लोगों का, उसके चलते क्या होता है, उसके चलते कभी कभी आपको डिसीजंस जो देखने को मिलते हैं तो वो बैड डिसीजंस के फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं कि कुछ इलेक्टेड लीडर्स ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं थे, जो जरूरी नहीं थे, जिनका वहां पे होना सही नहीं था। तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड इट लीड्स टू बैड डिसीजंस, एक प्रॉब्लम ये हो गई। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के चलते आपको डेमोक्रेसी को देखने मिलता है डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, ठीक है, ये फॉर श्योर है। मतलब ये आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आप खुद जानते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं कि एक डिसएडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी में करप्शन है, ठीक है, एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, सबको जीतना है। अब चुनाव में जीतने के चक्कर में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, लीडर्स जो होते हैं, तो अब चुनाव में अपनी पार्टी को जिताना है, पैसा कहां से आएगा, ऊपर से तो गिरता नहीं है, तो वो करप्शन करते हैं। जब पावर में आते हैं तो फंड इकट्ठा कर लेते हैं कि अगली बार पावर में आने के लिए व्यवस्था कर ली हमने, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस से ध्यान रखना एक एक करके। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, ठीक है। अब क्या है, डेमोक्रेसी में यू आर गिविंग द पावर टू द ऑर्डिनरी सिटीजंस, कि जनता ही क्या है, सब कुछ है, जनता को आपने अधिकार दे दिए कि वोटिंग राइट ले लो, और इन वोटिंग राइट के बेसिस पे जनता क्या करेगी, अपने नेता को चुन के आएगी। तो अब क्या हो रहा है, यहां दिक्कत ही हो रही है कि जब आप ऑर्डिनरी सिटीजन को इतनी ज्यादा पावर दे देंगे, ठीक है, एंड दीज ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, और जब आप ऑर्डिनरी सिटीजन को सर्व, मतलब देखो अब एक सेंस में यही एडवांटेज भी है, समझना हाँ, यहाँ पे क्या है, सिक्के के दो पहलू तरह से। जब मैं अभी आपको एडवांटेजेस पढ़ाऊंगा ना, अभी डिसएडवांटेज पढ़ा रहा हूं, तब यही बताऊंगा कि डेमोक्रेसी में पीपल आर सुप्रीम, वो एक एडवांटेज है, लेकिन डेमोक्रेसी में पीपल आर सुप्रीम एंड ऑर्डिनरी सिटीजंस डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, उन्हें तो बस ऐसा है कि जिन्होंने अच्छे भाषण दे दिए उनको क्या कर लेंगे, इलेक्ट कर लेंगे। तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, क्यों, क्योंकि वो मरवा भी देंगे देश को किसी दिन इस चक्कर में, ठीक है। तो एक वो समस्या है, मतलब जो आपको एक समय पे सही दिख रहा है एक समय पे गलत। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, तो ये एक फायदा भी रहता है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन बहुत अच्छा निकल के आएगा, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि इसके चलते डिलेज भी होते हैं, पनवेल निकल जाती है, ठीक है, इधर पनवेल निकल जाती है। अगली चीज, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको, ये क्या है। तो इस तरह से अगर हम डिसएडवांटेजेस की, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, सो दीज आर दी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, दीज आर दी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि लीडर बदलते रहते हैं जिसके चलते इंस्टेबिलिटी होती है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, जिसके चलते मॉरलिटी के लिए कोई स्कोप नहीं रह जाता है, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है जिसके चलते डिलेज होता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। इलेक्टेड लीडर्स जो रहते हैं उन्हें ये नहीं पता रहता कि उनका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, और इसके चलते एट टाइम्स इलेक्टेड लीडर्स भी खराब निर्णय ले सकते हैं, खराब निर्णय ले सकते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, एक प्रॉब्लम ये हो गई। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, देयरफॉर दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, दीज आर दी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्लियर हुए, अब आते हैं मेरिट्स पे, ठीक है। अभी मेरिट्स पे आने से पहले एक पार्ट ये भी समझा देता हूं। अब आप एक रैशनल ह्यूमन बींग जो होगा बोलेगा समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं डेमोक्रेसी में, फिर क्यों डेमोक्रेसी के छाता लगा लगा के घूमते रहते हैं हम, फिर क्यों हम डेमोक्रेसी को इस तरह से इतना प्रेज करते हैं जब डेमोक्रेसी में समस्याएं हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। डेमोक्रेसी में भी परेशानी है, मतलब ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं आसमां के पास भी जमी नहीं, ठीक है। तो ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं आसमां के पास भी जमी नहीं, तो वो चीज सीधी सी ये समझाती है कि चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे कोई भी दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे स्वर्ग लोग पहुंच जाओ, वहां पर भी समस्याएं रहेगी, ठीक है। नथिंग इज परमानेंट, ठीक है, नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कैन गिव यू द मैजिकल सॉल्यूशंस फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान कोई नहीं दे सकता है, ठीक है, कोई नहीं दे सकता है। कैसे नहीं दे सकता है, मैंने आपको समझा ही दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेसी एक सिचुएशन प्रोवाइड करके देता है बस आपको, जहां पे आपके पास इंडिविजुअल राइट्स हो सकते हैं जो कि शायद नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना हो, जहां शायद आपके पास में क्या कह सकते हैं लिबर्टी हो सकती है जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना हो। तो वो चीज बताई गई यहां पे, ठीक है। डेमोक्रेसी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट द क्वेश्चन वी फेस इन द रियल लाइफ इज डिफरेंट, ठीक है। क्वेश्चन जो हम फेस करते हैं वो क्या है कि डेमोक्रेसी क्या रामराज्य है, नहीं है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी दूसरों से बेहतर है, जी हाँ। तो जो अल्टरनेटिव्स जैसे होता है ना, कभी कभी हम क्या बोलते हैं,
कि ना कुछ होने से कुछ होना ही अच्छा है, ठीक है, वही वाली कहानी है क्या कि इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर टू देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम, यस एब्सोल्युटली अ बिग यस, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मे नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है हमारे हर समस्या का समाधान नहीं हो सकती है, डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन द क्वेश्चन विच वी फेस इन द रियल लाइफ इज वेदर डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अस, यस अ बिग यस, ठीक है। यहां पे दूसरे जितने अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है ना उनमें सब में तो डेमोक्रेसी हमारे लिए बेहतर है और रहेगी। तो इस सेंस में क्या है, अंधों में काना राजा, ठीक है, ये मुहावरा सुना होगा ना आपने, तो वही वाली कहानी है यहाँ पे क्या कि डेमोक्रेसी जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनमें तो हमारे लिए बेहतर है ही है। अब इसी बेसिस पर अगर हम देखें तो डिमेरिट्स आपको समझ में आ गए, डिसएडवांटेज क्या थे वो समझ में आ गए, अब एडवांटेज क्या है डेमोक्रेसी के, ठीक है, अब आप उसको डिफेंड भी तो करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के कुछ कुछ एडवांटेजेस भी है सर। तो डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस में ये सारी चीजें जाएंगे। मेरिट्स की अगर बात करें, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्न्ड बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि जो जवाबदेह होती है, मतलब अगर मान लो क्या हो रहा है कि कल को देश में कोई हादसा हो जाता है, पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, प्याज के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अनियन के, तब आप किसको पकड़ोगे, आप सरकार के सिर पे ही जाके फोड़ोगे ना घघरा। तो उसी तरह से क्या है कि डेमोक्रेसी में आप अल्टीमेटली एक इंसान रहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन रहती है, उन्हें आप क्या कर सकते हो, उन्हें आप जवाबदेह ठहरा सकते हो कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है। वो अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं चाइना वाले, ठीक है। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी समझेंगे हम कैसे डेमोक्रेसी में, वही क्योंकि इतने सारे लोगों से डिबेट डिस्कशन करते हो तो क्वालिटी तो इंप्रूव होगी ही होगी, ठीक है। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है किस चीज के, मतलब डेमोक्रेसी आपको मेथड प्रोवाइड करता है हाउ टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस से कैसे डील किया जाए वो आपको डेमोक्रेसी बेहतरीन तरह से समझा देता है, कैसे वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, और कुछ होना हो डेमोक्रेसी शायद डिले कर दे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में शायद आप जैसे देख सकते हो कि उतनी अकाउंटेबल ना रहे, लेकिन डेमोक्रेसी में क्योंकि इंडिविजुअल सेंट्रिक है तो इंडिविजुअल्स की तो डिग्निटी बना ही देती है, ये भी समझाऊंगा डिटेल में। फिर क्या है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। हाउ इज दिस पॉसिबल, तो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। एडवांटेजेस में ध्यान रखना, मेरिट्स में ध्यान रखना, एक दो तीन चार पांच ये मेरिट हो गए, जिस तरह से आपने पीछे डीमेरिट्स पढ़े वैसे यहां पे आपने क्या पढ़ लिए, ये सारे के सारे मेरिट्स पढ़ लिए। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आया ना कि डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज क्या थे, ये एडवांटेज है। तो अब इन एडवांटेजेस को हम एक एक करके समझते चलते हैं। एडवांटेजेस को देखो यहाँ पे, तो सबसे पहली स्टोरी बताई गई यहाँ पे चाइना। अब बोलोगे सर चाइना के बारे में इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, चाइना मतलब ऐसा रहता है ना कि जैसे हमें कभी कभी से कंपेयर करना पड़ता तो कि देखो ये खराब है हम अच्छे हैं, वो वाले केस है यहाँ पे। चाइना में जैसे फेमाइन आता है कब, 1958-61, उसी के पैरेलल इंडिया में भी सिचुएशन देखोगे तो चाइना और इंडिया ऐसा है एकदम पड़ोसी पड़ोसी, तो इंडिया में भी स्थिति बहुत खराब थी, फेमाइन इंडिया में भी आया था, इंडिया में भी क्रॉप फेलियर हुआ, इंडिया में भी भुखमरी थी, लेकिन इसका इंपैक्ट जैसे देखेंगे ना तो चाइना का जो फेमाइन था, मतलब जो फेमाइन 1958 से 61 के बीच में आया, तो उसका चाइना में इंपैक्ट क्या हुआ, द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, 30 मिलियन लोग जो है अपनी जान गंवा चुके थे इस फेमाइन में, वन ऑफ द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन कहलाया। पैरेलल इंडिया में भी फेमाइन आया, अब इंडिया में ऐसा थोड़ी ना कि हमारे पास अक्षय पात्र था कि बस निकालते गए और खिलाते गए हमारे लोगों को, ठीक है, फेमाइन इंडिया में भी आया, इंडिया में भी सिचुएशन बिगड़ी होगी, इंडिया में भी सिचुएशन बिगड़ी होगी, लेकिन इंडिया में उतनी ज्यादा डेथ नहीं हुई, ठीक है। तो बोलो सर इसमें खुश होने वाली बात थोड़ी है, खुश होने वाली बात नहीं है यहां आपको, मतलब बात तो खुश होने वाली ऐसी है कि इंडिया में डेथ हुई बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अगर आप क्रिटिकली समझोगे तो ऐसा क्यों हुआ यहां पे क्वेश्चन ये है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया made the Indian government respond to the food scarcity in a way that the Chinese government did not. ठीक है, तो question यहाँ पे वही निकल के आता ना कि why? ऐसा क्यों हुआ कि China में impact ज़्यादा हुआ, 30 करोड़ लोगों की जाने चलेगी, लेकिन India में आप देखोगे तो India ने क्या कर लिया, control कर लिया उस famine को. How is this possible? ये हो कैसे पाया? तो ये हो ऐसे पाया क्योंकि इंडिया में क्या था, इंडिया में थी डेमोक्रेसी, ठीक है। अब आपके मन में ऐसा सीना जो ऐसा चौड़ा हो गया होगा कि हाँ वाह डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छा काम किया। जी हाँ, कैसे डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छा काम किया कि डेमोक्रेसी कोई इंसान नहीं है जो लोगों को खाना बांट दिया उस समय पे, लेकिन चाइना में क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वहां पे जो लीडर्स थे दे डू नॉट केयर अबाउट पीपल, ठीक है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता था, उन्हें अपनी मिलिट्री मजबूत करना थी, प्रायोरिटीज बदल सकती है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पता है कि जब भुखमरी आएगी तो आप मिलिट्री मजबूत करोगे तो जनता अगली बार तुम्हें उठा के भूखा मार देगी, ठीक है। तो ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं,
जो कह सकते हैं इनकम्बेंट्स रहते हैं, जो उस पोजीशन पे बैठे हुए लोग रहते हैं ना, उन्हें पता रहता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना पड़ेगा नहीं तो देश मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस सेंस में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड स्कैर्सिटी, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया उस तरह से, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने नहीं रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। वो जवाबदेह नहीं थे, उन्हें नहीं फर्क पड़ता था, कहां पे, चाइना में, इंडिया में फर्क पड़ता था। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, एंड व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल यू आर रिस्पॉन्सिव। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट, वो रिस्पॉन्ड करेगी। रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हम कॉलर जाके पकड़ सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, हम पूछ सकते हैं क्यों भाई, क्यों, किसकी जवाबदारी है यहां पे, समझ में आई मेरी बात, किसकी जवाबदारी है यहां पे, वो वाला सीन रहता है। तो अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्ड कर सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस पे, किसके विल्स पे, वो जो रूलर है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर की इच्छा नहीं चलेगी, रूलर को पता है कि अगर मैं मेरी इच्छा से काम करूंगा, रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा ऐसी सिचुएशंस में, तो अगली बार लोग क्या है, मेरी इच्छा चलने नहीं देंगे, मुझे इच्छा लाएगी नहीं छोड़ेंगे, चुनाव में कभी जीत ही नहीं पाऊंगा फिर मैं, ठीक है। तो उसके चलते ये एक बहुत बड़ा क्लियर कट एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। क्या एडवांटेज देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, whereas this may not be seen in non-democratic governments, ठीक है। तो democratic government is a better government because it is more accountable form of government, ये पहला advantage आपने देखा है, सारे advantage एक-एक करके समझाते चल रहा हूँ। दूसरा, democracy improves the quality of decision making, कैसे, तो देखो democracy is based on consultation and discussion, आपको पता है क्या होता है पार्लियामेंट में जाके, वो बात अलग है कि बैठे बैठे क्या सो जाते हैं लोग, लेकिन अल्टीमेटली जाते किस चीज के लिए, डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए। अब जब डिबेट डिस्कशन करोगे तो अब जब बुद्धि लड़ाओगे थोड़ी सी, तो बुद्धि लड़ाने पे क्या होगा, व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, ठीक है, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन, ठीक है। तो बाल की खाल निकालते कि ये गलती हो सकती है शायद, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे बहुत ज्यादा चर्निंग होगी किसी भी चीज की, तो जो बेस्ट आउटकम है वो निकल के आएगा, ठीक है। पॉसिबल मिस्टेक्स को आप क्या कर लोगे, हाईलाइट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। अब इसके चलते क्या होगा कि इसके चलते दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन, और इसी के चलते क्या है, रैश और इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन जो है उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, रैश और इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो डिसीजन जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, क्वालिटेटिव डिसीजन निकल के आएगा। दस डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, दस डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेसी से डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी जो है वो एनहांस होके, इंप्रूव होके निकल के आती है आपके सामने। ये चीज समझ में, एनहांस होके, इंप्रूव होके निकल के सामने आती है, ये हो गया डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो अब जैसे ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया आपको, ठीक है। तीसरा क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी क्या करता है, आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है कि कैसे आप डिफरेंसेस, कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील कैसे किया जा सकता है, तो देखो यहां पे आप समझना है आपको कि डेमोक्रेसी में आपको पता है कि डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है। डाइवर्सिटी है इंडिया, इंडिया इज लाइक कह सकते हैं गुलदस्ता, कितने सारे डाइवर्स लोग हैं। अब क्या होता है, ये डाइवर्सिटी जो है, तो डाइवर्सिटी के चलते डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होना भी होता है, मतलब सबके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं डेमोक्रेसी में, फॉर श्योर, क्योंकि डेमोक्रेसी में अलग अलग सेक्शन के, अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, जेंडर के लोग हैं, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और इंटरेस्ट होना तय है। एट टाइम्स दिस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही होता है, जैसे हम क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं, क्या होता है कि सभी बच्चे बैठे हैं तो कुछ बोल रहे हैं कि नहीं गेम्स पीरियड में हम तो सर मैथ्स की क्लास कर लेंगे, और बाकी जो बैठे हैं दूसरों ने बोला तू बाहर मिल रहा रुक, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, 100% हो सकता है, ठीक है। अब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो उसके चलते क्या, उसके चलते यहां पे डेमोक्रेसी नाम का जो हमारे पास में हथियार है ना, वो बहुत मददगार साबित होता है। जैसे तो हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस मैंने आपको बता दिए कैसे, अलग अलग मत है और अलग अलग मत भेद करवा सकते हैं, और मत भेद में ठीक है भड़ाभड़ हो सकती है। तो इस केस में समस्या, मतलब इस केस में सवाल यह आता है कि हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट, हम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो पावरफुल ग्रुप्स कैन सप्रेस द लेस पावरफुल एंड डोमिनेट, ठीक है। तो अब एक मतलब मुद्दा यह देखने को मिल सकता है क्या, कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेस कैसे किया जाएगा, रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। तो जो पावरफुल होंगे वो लेस पावरफुल को, मतलब जो मेजोरिटी होगी वो माइनॉरिटी को दबा दुबू के क्या कर देगी, कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ने ही नहीं देगी, बोल देगी कि हाँ हमने तो सब डरा धमका के मामला जो है निपटा दिया। लेकिन इससे क्या होगा, इससे रेजेंटमेंट और अनहैप्पीनेस बढ़ेगी, और बूंद बूंद से घट भरता है,
एक दिन जो लोग सप्रेस हो रहे हैं वो लोग उठ के फिर बाउंस बैक करेंगे। तो ये कंफ्लिक्ट को परमानेंटली रिजोल्व करने का तरीका नहीं है। शॉर्ट रन में ये अच्छा लग सकता है लेकिन लॉन्ग रन में ये नुकसान ही देगा। इस तरह से अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट कर जाएगी ना तो ये नुकसानदायक रहेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में ये एडवांटेज है, डेमोक्रेसी में क्या एडवांटेज है कि डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बोलेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, हम एक साथ क्या कर लेंगे, अपने अपने कह सकते हैं डायवर्सिटी को रिजोल्व करने का प्रयास करेंगे, डायवर्सिटी को अकोमोडेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में वो रूम रहता है, वो स्पेस रहता है जहां डिस्कशन हो सकता है, जहां पे आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते आप क्या करें सिचुएशन को और वर्स्ट ऑफ पे ले जाओ। ठीक है, तो आपने क्या देखा, चौथा फीचर ये हो गया डेमोक्रेसी प्रोवाइड, तीसरा फीचर डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। चौथा फीचर जो था, चौथा फीचर क्या था कि डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। अब डेमोक्रेसी डिग्निटी ऑफ सिटीजंस कैसे एनहांस कर देती है, कोई डेमोक्रेसी से शॉल उड़ा देती है क्या कि आओ सिटीजंस तुम्हारी डिग्निटी एनहांस कर दे, नहीं, लेकिन कैसे तो वो समझाता हूं मैं आपको। देखो डेमोक्रेसी, इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हो सकता है डिसीजन उतने अच्छा ना आए डेमोक्रेसी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कैसे डिसीजन आ रहे हैं डेमोक्रेसी में। हो सकता है कि अकाउंटेबिलिटी उतनी फिक्स ना हो, ठीक है, जो रूलर्स है वो घूम रहे हैं पता नहीं किधर, ठीक है, उन्हें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी, ठीक है, मतलब बिकॉज इट डज अ लॉट टू द सिटीजन, ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी क्या, इन सारी चीजों के बावजूद भी डेमोक्रेसी जो है स्टिल इट इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी आप उसको बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कह रहे हो, उसके पीछे का कारण ये कि बिकॉज इट इज गिविंग अ लॉट टू द सिटीजंस, ठीक है, विच इज वेरी एसेंशियल विच अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैनॉट गिव। क्या दे रही है ऐसा सिटीजंस को, ठीक है, तो वहां पे आपको ये चीज समझना होगा कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। अभी समझाया मैंने कि डेमोक्रेसी में कुछ हो ना हो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, ठीक है, तो अमीर गरीब छोटा बड़ा काला गोरा रिच, मतलब रिच पुअर तो हो गया ना, मेल फीमेल अपर कास्ट लोअर कास्ट सभी लोगों को डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इक्वल एटलीस्ट इक्वली देखती तो है, इन प्रिंसिपल्स तो देखती है ना। तो उसके चलते क्या होता है, जब डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है ना, तो ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड, तो जो पुअरेस्ट है जो लीस्ट एजुकेटेड है, ठीक है, ही और शी इज गोइंग टू हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। और इसी के चलते आपको यह देखने को मिलता है, इसी के चलते आपको यह देखने को मिलता है कि जो डिग्निटी है इंडिविजुअल्स की वो एनहांस होती है डेमोक्रेसी में व्हेन कंपेयर्ड विद नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जब आप कंपेयर करोगे तो यह आपको बहुत बेहतरीन तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरह से देखने को मिलेगा। सो दिस इज द स्टोरी, ठीक है, दिस इज द स्टोरी, क्लियर हुआ। तो इस तरह से अब ये आपको चौथा पॉइंट समझ में आ गया कि चौथा एडवांटेज क्या है। पांचवे एडवांटेज की बात करें, पांचवा एडवांटेज ये है कि देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी गलतियां होंगी, गलतियां तो हर जगह होती है ना, हर इंसान से होती है, वैसे हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से होती है। और मैंने आपको क्या बताया, नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट, नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आइडियल, नॉट इवन डेमोक्रेसी। तो गलतियां डेमोक्रेसी में भी होगी, बट इन डेमोक्रेसी देयर इज स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे अगर मान लो डिक्टेटर ने कुछ गलत निर्णय ले लिया तो आप तो बोलोगे नहीं नहीं बहुत सही है बढ़िया एक नंबर, आप गलत ले सकते हो क्या, आपको पता है गलत निर्णय, लेकिन फिर भी आप गलत बोल नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने बोल दिया तो अगले दिन मैं रोड पे निकलूं ना निकलूं क्या पता, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में यू हैव दी स्कोप, ठीक है, पब्लिक डिस्कशन कि अगर कुछ निर्णय सरकार ने गलत लिया तो आप बढ़िया चाय की चुस्की लेते हुए बोल सकते हो, अपने बच्चों को बता सकते हो क्या कि ये निर्णय गलत है, ठीक है, एंड यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप दे सकते हो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक निर्णय जो लिए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जब आप गलत निर्णय को हाईलाइट करोगे ना तो अगली बार कोई गलत निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचेगा, ठीक है, तो ये वही चीज होती है। और गलत निर्णय अगर लिया भी है तो उसको सुधार करने का भी पूरा पूरा स्कोप रहता है। गलत निर्णय अगर जनता ने ले लिया, जनता ने अगर गलत सरकार चुन ली तो अगले चुनाव में उनके पास मौका है कि वो अपना अपनी गलती सुधार कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात, वही चीज है यहाँ पे क्या कि देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी, फॉर श्योर मिस्टेक्स कैन बी मेड, बट इन डेमोक्रेसी देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन, ठीक है, एक करेक्शन के लिए रूम है, स्पेस है, आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज। अगर गलतियां होती है तो या तो रूलर गलतियों का सुधार कर ले या फिर जनता रूलर का सुधार कर देती है, दोनों ही केसेस रहते हैं। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि एक एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू क्रिएट करेक्ट
इट्स ओन मिस्टेक्स. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या करता है, हमें हमारी अपनी गलतियों को सुधार करने का मौका देता है. ये क्या हो गया, ये पांचवा एडवांटेज हो गया, ये पांचवा एडवांटेज हो गया. अब आपको क्या क्या समझ में आ गया जरा मेरे साथ रिकॉल करो. ठीक है, तो डेमोक्रेसी के जो अब लास्ट टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके पहले हम ये इस पे एक बार नजर दौड़ा लेते हैं. ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए, सो दीज आर दी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, दीज आर दी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, सबसे पहला देखो मैंने आपको क्या बताया अभी स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले जब हम इन टॉपिक्स को स्टार्ट किए थे कि ये सीधे सीधे क्वेश्चन है. डीमेरिट्स क्या है, तीन नंबर पांच नंबर में आता है. डिसएडवांटेज क्या है, तीन नंबर पांच नंबर में आता है. वैसे ही एडवांटेज क्या है, तीन नंबर पांच नंबर में आता है. मेरिट्स क्या है, तीन नंबर पांच नंबर में आता है. अगर और ज्यादा टीचर प्रिसाइसली पूछ ले तो ऐसा पूछ सकता है कि हाउ डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस, ठीक है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे, इसे एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल. तो आप वो चाइना वगैरह वाला एग्जांपल लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ रहे हो ना. जैसा सवाल, माथा देखो तिलक करो, जैसा सवाल आएगा वैसा आपको आंसर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. ठीक है, एडवांटेजेस की अगर बात करें तो एडवांटेजेस ये रहे सारे. ठीक है, कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, डिसीजन इंप्रूव होता है. ठीक है, इट प्रोवाइड्स द मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, सिटीजन की डिग्निटी एनहांस हो जाती है डेमोक्रेसी में. साथ ही साथ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. दीज आर दी पॉइंट्स. अब आते हैं हम कहां पे, अब आते हैं ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी पे, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, अभी तक आपने जो पढ़ा ना वो लिमिटेड था. आपने डेमोक्रेसी की फीचर पढ़े, डेमोक्रेसी की मीनिंग पढ़ी, डेमोक्रेसी के मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये लिमिटेड मीनिंग था, मतलब आपने लिमिटेड स्टडी करी है. ब्रॉडर मीनिंग मतलब क्या है, कि क्या इस डेफिनेशन से बाहर भी डेमोक्रेसी है. जी हाँ, उसी चीज को हम क्या करेंगे इस टॉपिक, मतलब यहां से आपका चैप्टर आगे वाली चीजें ले जाता है. तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो द चैप्टर एंड द डेमोक्रेसी, जो मैंने आपको समझाया कि चैप्टर में आपने लिमिटेड स्कोप पे डेमोक्रेसी को समझ लिया, डेमोक्रेसी की मीनिंग, फंक्शन, मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इतनी चीज आपने डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई समझ ली. अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है, इन डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी कैन आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव. ठीक है, डेमोक्रेसी में हम क्या कर सकते हैं, एक क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो हमने किया, क्या किया, तो हमने देखा डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. फीचर्स में आपने देखा कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लेना चाहिए दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए वेयर दोज हु आर करंटली इन पावर शुड हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग. समझ में आ रहा है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए. साथ ही साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड रूल विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द सिटीजंस राइट. तो ये आपने क्या कर लिया, एक मिनिमल फीचर्स को पढ़ लिया, समझ लिया. ठीक है, मिनिमल सेट ऑफ फीचर्स को जो डेमोक्रेसी को होना चाहिए वो पढ़ लिया. द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ठीक है, तो आपने डेमोक्रेसी को बेसिकली समझ के ये देखा कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है वो क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. जो मोस्ट कॉमन फॉर्म आपको देखने को मिलता है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के फॉर्म में देखने को मिलता है. ठीक है, एक्सप्लेन करें तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, क्या आप खुद जाते हो पार्लियामेंट में बैठ के अपना निर्णय लेते, आपको तो वोटिंग राइट भी नहीं, आप कहां जाओगे, जैसे मैं. ठीक है, बुरा तो नहीं लगा. ठीक है, जैसे कि मैं, तो मैं क्या, मैं खुद थोड़ी ना जाता हूं पार्लियामेंट, मैं क्या करता हूं अपना वोट देता हूं, मैं जिसको वोट देता हूं मैं चाहता हूं कि ये इंसान मेरा प्रतिनिधित्व करे. ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड मेनी सच पीपल फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्यूएंसी. हम सभी ने उन्हें वोट दिया और वो जाके क्या करते हैं पार्लियामेंट में हमारे बिहाफ पे निर्णय लेते हैं, हमारे बिहाफ पे निर्णय लेते हैं. तो दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट जैसे पहले एथेंस वगैरह हुआ करती थी, जहां पे क्या है कि सारी जनता जनार्दन खुद जाती थी और खुद निर्णय लेते थे सभी लोग, सब लोग बोलते नहीं नहीं मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, मैं एग्री कर रहा हूं, लड़ रहे थे, ये सब कुछ होता था. लेकिन आज के फॉर्म में आप देखोगे, आज के टाइम में आप देखोगे तो मोस्ट कॉमन मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है. ठीक है, मोस्ट विजिबल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है. तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट डायरेक्टली, ये हो गया क्या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. समझ में आया ना, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हो गई आपकी. तो सवाल ये आता है कि आज के समय में सर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों है, पहले तो नहीं थी, जैसे आप बोल रहे हो ना बहुत पहले एथेंस में तो क्या था डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, अब रिप्रेजेंटेटिव क्यों हुई, क्योंकि आज के समय में सिचुएशन वैसी है. कैसी सिचुएशन, कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस. पहले क्या है, जनसंख्या कम हुआ करती थी तो जितने लोग होते थे उतने लोग क्या आपस में बैठ जाते थे, निर्णय ले लेते थे. लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसीज में आज आप देखो ना जनसंख्या कितनी है, जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो इतनी बड़ी जनसंख्या एक साथ, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल
कि सबको आप एक जगह बैठा पाओ, सबको बैठा के सबको एक साथ एक मत पे सहमत करवा के फिर निर्णय ले पाओ, तो बेहतर क्या है? मतलब वही है ना, अगर मान लो ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो कि आज कुछ निर्णय लेना है, तो पूरे लोग जितने वोटर्स हैं सभी लोग आएंगे, सभी लोग दिल्ली जाएंगे। पहली बात तो सारे लोग इतने सारे एक साथ अगर दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे तो समाएंगे नहीं दिल्ली में, ठीक है, बैठाओगे कहाँ उन्हें? सवाल ये है, गर्मी के दिन है, ठीक, तो उस तरह से क्या है, उस तरह से आज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरीबडी पार्टिसिपेट, ठीक है। और दूसरी चीज जो थोड़ा सा सैवेज टाइप का है वो क्या है, दूसरा पॉइंट, कि इवन इफ दे कुड, अगर मान लो सबको ले भी आए, तो द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम एंड द डिजायर्ड स्किल्स और टू टेक पार्ट इन द डिसीजन, ठीक है। मतलब ब्लंटली अगर कहा जाए तो क्या है कि अगर सबको निर्णय में आप इंक्लूड भी करोगे, सब उस लायक भी नहीं है, ठीक है, सबके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, इतना टाइम नहीं है, आप सबको क्यों ला रहे हो जबरन, ठीक है। तो बेहतर यह है कि सब जो जनता जनार्दन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पे डिसीजन ले, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से देखो एक सवाल यहां पे ये बन जाता है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, एक नैरो डाउन करके क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ डोमिनेंट और अ प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड, सो दीज आर दी पॉइंट्स, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू sit together and take decisions as it was the case in direct democracies in ancient time, aaj waisi situation hai nahi. Dusri cheez kya hai ki agar sab log aa bhi gaye na to citizens do not have the time and the desire or the skills to take part in the decision, so better it is to have a representative form of democracy, to behtar ye hoga ki ek representative form of democracy se kaam चला लेंगे हम, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी जो है आपको यह समझना है कि आपने बेसिक मिनिमम डेमोक्रेसी को तो सीख लिया है इस चैप्टर में, लेकिन साथ ही साथ अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करें ना, तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी दो चीज होती है, काम करना और अच्छा काम करना दो चीजें होती है। ये मिनिमम कंडीशंस जो है ना, तो ये मिनिमम कंडीशंस तो आपको इस चीज में मदद देती है कि What are non-democratic systems and what is a democratic system? ठीक है, तो यहां पे आपको क्या हो गया, आपको एक वो differentiating point मिल गया, किस चीज का differentiating point मिल गया, कि क्या democratic form of government है, क्या non-democratic form of government है, दोनों में आपने differentiate कर लिया, ठीक है, दोनों में आपने differentiate कर लिया minimum set of features से, लेकिन अब ये भी democracy, India भी democracy, USA भी democracy, हम सब democracy, अब अच्छी democracy और democracy में क्या difference होता है, ठीक है, तो यहां पे सवाल वही आता है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब वो ये कि काम मैंने भी कर दिया, इनने भी कर दिया, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि यार इनने अच्छा काम किया, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, वो कैसे आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, तो डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब आपको अगर गुड डेमोक्रेसी तक समझना होगा, तो डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव को, व्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रॉड करना पड़ेगा, जिस पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है, तो डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव को आपको ब्रॉड करना होगा, कैसे, तो पहली चीज ये है, देखिए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में पहली चीज क्या आ जाएगी, कि डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी शुड मस्ट बी सीन, डेमोक्रेसी मस्ट बी सीन एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। हम क्या कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट तो आपने देख लिया कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, एक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसके अलावा डेमोक्रेसी एक स्पिरिट है, डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, डेमोक्रेसी अपने आप में क्या है, एक वे ऑफ लाइफ है, कैसे, जैसे अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कनेक्ट करना, हाँ, हमने पाकिस्तान के केस में क्या देखा था, पाकिस्तान के केस में हमने ये देखा, जाना, समझा, सीखा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, इलेक्टेड रूलर्स जो हैं, ठीक है, मेजर डिसीजंस उन्हें लेना चाहिए, ठीक है, ये हमने सीखा। लेकिन अब क्या होगा कि कोई मान लो कंट्री में कोई इलेक्टेड रूलर है, ठीक है, प्रॉपर सब कुछ डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट होके आए हैं, फ्री एंड फेयर तरीके से आए हैं, पूरे चांसेस है कि वो हार भी सकते हैं, लेकिन क्या है, वो जो निर्णय ले रहे हैं और वो निर्णय भी खुद ही ले रहे हैं, ठीक है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि नॉन इलेक्टेड पर्सन ने डिसीजन लिए, लेकिन वो जनता के बारे में सोच नहीं रहे, अपने हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में तो सेट हो गए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन नहीं है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन ले ले मेजर डिसीजन, वहां पे आपको ब्रॉडली सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा ब्रॉडली, कि आप जनता को इन्वॉल्व करो, तब आप क्या है, डेमोक्रेसी से गुड डेमोक्रेसी में इंक्लूड हो जाओगे, ठीक है, आप जब जनता के हित के बारे में सोच के निर्णय लो, समझ में आया, तो डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। जैसे क्या है, दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना कि डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ,
तो डेमोक्रेसी एक वे ऑफ लाइफ कैसे हो जाता है पता है कि डेमोक्रेसी में आप क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में आप जैसे बोलते हैं ना कि यार हमारी फैमिली तो बड़ी डेमोक्रेटिक है, क्यों? क्योंकि हम जो भी निर्णय लेते हैं सब आपस में बैठ के निर्णय लेते हैं। अगर मान लो एक टीचर है, अब एक टीचर क्या पढ़ाते जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सवाल है, सवाल वाल नहीं पूछो, बैठ जाओ चुपचाप, तो क्या ये पढ़ाने का तरीका डेमोक्रेटिक होगा? नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी को आप सिर्फ जैसे बोलते थे ना यार वो इंसान के साथ मुझे काम ही नहीं करना है, इस वेरी अनडेमोक्रेटिक पर्सन, मतलब क्या है वो अनडेमोक्रेटिक पर्सन कैसे हो गया, क्योंकि उसके काम करने के तरीके में वो इक्वेलिटी, ठीक है, वो इंक्लूसिवनेस वो इंक्लूड नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी जो आपने फीचर्स पढ़े, जो आपने मीनिंग पढ़ी, जो आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे ना, उससे कई गुना बड़ी है, उससे कई गुना मतलब उसका स्कोप देखोगे तो बड़ा स्कोप है। कैसे बड़ा स्कोप है? क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको अल्टीमेटली ये देखने को मिलता है कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो प्रिंसिपल That can be applied to any sphere of life, not only to the political sphere of life. Democracy सिर्फ political sphere तक सीमित नहीं है, democracy life के किसी भी sphere में apply किया जा सकता है, वो एक ऐसा principle है democracy. समझे? अगली चीज क्या है? Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up ideal standards that all democracies must aim to become. डेमोक्रेसी का मतलब जो है ना ब्रॉडर मीनिंग में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग में मतलब ये नहीं होता है बस कि किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कि हाँ ये नॉन डेमोक्रेटिक है डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी को या फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हम आइडियल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्टेटमेंट है, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली वेन नो वन गोज हंग्री टू बेड, ठीक है, ये महात्मा गांधी का कहना था। तो आप जैसे आप देखोगे कि ट्रू डेमोक्रेसी कब आएगी, जब कोई भी रात में भूखा ना सोए। तो आप डेमोक्रेसी के फीचर में फंक्शन में कहीं नहीं लिखा है कि भूखा नहीं सोएंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, लेकिन क्या है ये आपने, क्योंकि अब आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो जहां पे आप इक्वेलिटी की बात करते हो, जहां पे आप जस्टिस की बात करते हो, जहां पे आप लोगों के वेलफेयरमेंट की बात करते हो, तो इस प्रिंसिपल पे फोकस करते हो आप, ठीक है, आप इस प्रिंसिपल पे फोकस करते हो, इस प्रिंसिपल पे ध्यान देते हो कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी अलग अलग स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि राम राज्य जो है, तो राम राज्य से नहीं भगवान राम का राज्य होगा तभी राम राज्य होगा, राम राज्य मतलब एक ऐसी सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बड़ा अच्छा संवाद है रामायण में, जब आप राम राज्य के बारे में पढ़ते तो वो क्या है कि राम राज्य कोई राम जी के राज्य से एसोसिएटेड नहीं है, वो एक ऐसी सिचुएशन है जब किसान को जब पानी चाहिए उसे जब पानी मिल जाए, ठीक है, मतलब क्या है कि लोगों की क्या हो जाए परेशानी खत्म हो जाए। तो वही चीज डेमोक्रेसी को, एक गुड डेमोक्रेसी को आइडियल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों के समस्याओं का समाधान दे सके, ऐसी डेमोक्रेसी गुड डेमोक्रेसी होगी, ये डेमोक्रेसी का एसेंस होता है, समझे। तो इट एनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस, इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो मिनिमल डेमोक्रेसी तो वही एक चार फीचर होगा, डेफिनेशन होगी, लेकिन एक गुड डेमोक्रेसी क्या होगी जो हम हमारे आइडियल्स के हिसाब से मैच कर सकते हैं। जैसे कोई भूखा सो रहा है, अगर किसी मतलब पॉवर्टी बहुत ज्यादा है तो हम क्या बोल देंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इलेक्शंस हो रहे हैं सारी चीजें, लेकिन डेमोक्रेसी में ये भी एसेंस होना चाहिए कि वो उस गरीबी को खत्म कर पाए, लेकिन नहीं खत्म कर पा रही तो हम क्या बोलेंगे कि डेमोक्रेसी को और काम करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? वो चीज रहती है। तो डेमोक्रेसी एंड इट्स स्कोप, तो उसी चीज को यहां पे समझाया गया कि डेमोक्रेसी एक तरह से एक मूविंग टारगेट की तरह होती है, कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल टारगेट कोई एक ऐसा फिक्स टारगेट है कि हाँ आपने क्या कर दिया वोटिंग करवा ली बस डेमोक्रेसी बन गए। डेमोक्रेसी का स्कोप यह है कि वो एक मूविंग टारगेट की तरह काम करती है जिसका कंटिन्यूस एग्जाम होता रहता है, डेमोक्रेसी को कंटिन्यूसली अपने आप को एक्सपैंड करते रहना पड़ता है। यहां पे जो मैंने आपको कुछ आइडियाज बताए ना, ये आइडिया दो साल बाद मतलब पूरा 9th पढ़ोगे 10th पढ़ोगे 10th में जाके जब लास्ट चैप्टर्स पढ़ोगे 10th के तब आप मुझे याद करोगे कि इसी तरह की फिलॉसफी आपको वहां पे दो चैप्टर्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना उस चीज को, समझ में आया। अब अगर हम बात करें तो नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, अगर परफेक्ट डेमोक्रेसी की हम बात करें तो कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ओनली द मिनिमम कंडीशंस, ठीक है। अब आप सोचो कि डेमोक्रेसी आके आपके मुंह में स्पून फीडिंग करवा दे, डेमोक्रेसी आपका एग्जाम पास करवा दे, तो नहीं। डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी सिर्फ कंडीशंस प्रोवाइड करती है, समझ में आ रहा है। जैसे कि क्या हो रहा है कि आपके एग्जाम से रिलेट करें तो क्या है कि टीचर सैंपल पेपर हो गए, वीडियो लेक्चर्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, कोर्सेज हो गए, ये सारी चीजें आपके लिए क्या कर सकती है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट बना सकती है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट बना सकती है। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। वही केस यहां पे कि डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, इट कैन जस्ट प्रोवाइड यू द मिनिमम कंडीशंस, ठीक है। इफ इट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, वो आपको क्या करता है, वो एक आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो आपको एक कंडीसिव सिचुएशन देता है जहां पे आपको जनता को क्या करना पड़ेगा,
मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उस डेमोक्रेटिक सिस्टम से. सिटीजंस कैन मेक अ डिफरेंस टू मेक आर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक. ठीक है, तो मोर और लेस डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी बनाने में ठीक है किसका बहुत अहम भूमिका होगी, किसकी बहुत ज्यादा अहम भूमिका होगी, तो वो जनता की बहुत ज्यादा अहम भूमिका होगी. सिटीजंस कैन मेक द डिफरेंस टू मेक टू मेकिंग आर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक. द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजंस डू. ठीक है, तो जो देश का वो रहता है ना, मतलब कह सकते हैं कि देश किस ओर जाएगा, जो देश का भविष्य होगा. फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू. नो डाउट हम रूलर्स एक्सपेक्टेशंस, देखो नायक की भूमिका हमेशा से क्या रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रही है. नायक मतलब जो लीडर रहते हैं, तो नो डाउट कि एक अच्छे लीडर रहेंगे तो कंट्री को और अच्छी आगे की तरफ लेके जाएंगे. लेकिन सिर्फ लीडर सब कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं होगा, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजंस डू. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टक्सेर भाजी टक्सेर खाजा. तो जैसी जनता होती है वो अपने लिए वैसा लीडर इलेक्ट करती है. तो वहां पर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए लोगों का अवेयर होना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एक चीज समझो इस चीज को इंपॉर्टेंट से, अगर जनता डेवलपमेंट पे फोकस करेगी, अगर जनता एडुकेशन पे फोकस करेगी, हेल्थ पे फोकस करेगी, तो फॉर श्योर जो लीडर्स आएंगे वो इन्हें ही मुद्दा बनाएंगे. और अगर जनता इसी चीज में लड़ती रहेगी, जाति पे, धर्म पे, कह सकते हैं जेंडर पे, रिलीजन पे, इन्हीं सारी चीजों में अगर जनता लड़ती रहेगी, उलझी रहेगी, तो फॉर श्योर जो लीडर्स आएंगे वो इन्हीं चीजों पे ध्यान देंगे. तो अल्टीमेटली फेट ऑफ द कंट्री नॉट जस्ट डिपेंड्स ऑन द व्हाट रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी सिटीजंस डू. हम जो एस्पायर करेंगे वैसा हम बना पाएंगे ना, वो चीज रहती है. दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. और अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में शायद ये कंडीसिव सिचुएशन, ये एम्पावरमेंट लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है. सो दिस वॉज द वंडरफुल चैप्टर अबाउट डेमोक्रेसी. आई विश आप सभी लोगों को चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, मजा आया. चैप्टर हमारा होता है यहां पर कंप्लीट, हमने चैप्टर को कर लिया कंप्लीट. हाँ, तो आई गेस कि ये फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपके लिए मददगार साबित हो. आपको हर एक टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया और आप इसी तरह से नाच गा रहे होंगे. ठीक है, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ. देखो चैप्टर कंप्लीट हुआ तो हमारा पैटर्न ऐसा रहेगा, क्योंकि आपका पहला चैप्टर मिल रहा है आपको, तो मैं आपको उस बारे में अपडेट कर दूं, लेकिन आप समझते चलना हाँ चीजों को, कि जब भी जिस भी दिन आपको यूट्यूब पर इस तरह से सेशन मिलेगा ना, तो आपने वीडियो लेक्चर देखा एक डेढ़ दो घंटे का जितना भी ये वीडियो बना है हमारा. ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या चीज समझ में आई, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया, लेकिन डाउट्स तो रहे होंगे, पक्का रहे होंगे. ठीक है, तो जो आपके मन में डाउट्स जितने भी कौंधे हैं ना, जितने भी डाउट्स उछल रहे हैं कूद रहे हैं, ये सारे डाउट्स भर लो पोटकी में और चलो मेरे साथ. कहां? तो स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लास होती है. स्पेशल क्लास में आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल क्लास एब्सोल्युटली फ्री होती है, जहां पे आप अपने एडुकेटर्स के साथ में फ्री में पढ़ सकते हैं, या एक तरह की डेमो क्लास होती है कि जो प्लस पर क्लासेस होती है उसमें आपको कैसे पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो स्पेशल क्लास क्या होती है, एक तरह का डेमो होता है, एक तरह का आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए प्लेटफॉर्म के साथ में, इंटरफेस के साथ में कह सकते हैं ना, एक एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने के लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं. ठीक है, जहां पे आप अपने एजुकेटर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं, पोल्स के थ्रू डाउट्स पूछ सकते हैं, आप उन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, तो स्पेशल क्लास ज्वाइन करना आप आज, जो स्पेशल क्लास है. तो जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा हम इस पैटर्न में पढ़ते चलेंगे, तो स्पेशल क्लास रख लेंगे हम डाउट सॉल्विंग के लिए. सो इफ यू हैव डाउट ज्वाइन मी. ठीक है, After this video ends, ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा 5 बजे से 6 बजे के बीच में, क्या है 7 अप्रैल को आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो 7 अप्रैल 5 बजे से 6 बजे तक आपको क्या रहेगी, स्पेशल क्लास रहेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अनअकैडमी ऐप पर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती है. साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप पर जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप रेगुलर बैचेस, जहां पे और क्या और पर्सनलाइज लर्निंग होती है, आप 1-to-1 टीचर के साथ में क्लासरूम टाइप लुक एंड फील के साथ में पढ़ सकते हैं, वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं. ठीक है, तो जहां पे पेड बैचेस होते हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं, ठीक है, क्विज होते हैं, और एक कह सकते हैं ना टीचर के साथ डेली इंटरेक्शन बना रहता है, तो ऐसे बैचेस बहुत सारे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये क्लास 9th के लिए लक्ष्य बैच जो है, ठीक है, ये लक्ष्य बैच 6th of April से स्टार्ट हो गया है. ठीक है, जैसे एक बैच समर एक्सप्रेस बैच आ रहा है, तो उसमें मैं पढ़ा रहा हूं क्या, मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आपको SST. ठीक है, तो टर्म 1 के परस्पेक्टिव से जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, कब मिल रहे हैं हम मिलते हैं, मतलब इस बैच में मैं पढ़ाता हूं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 8:45 से 9:45 शाम में. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे बैचेस, क्लास 10th के लिए भी बैच आते हैं, तो क्लास 10th के लिए जैसे 6th of April से ये लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 बजे से 8 बजे तक मैं पढ़ाता हूं SST. और भी सारे एडुकेटर्स हैं, तो आप अपने सारे सब्जेक्ट्स का टेंशन फ्री हो सकते हैं. ठीक है, तो इन बैचेस में एनरोल करने के लिए आप प्लस या आइकॉनिक, जो भी सब्सक्रिप्शन आपको सूट करता है वो ले सकते हैं.
प्लस में आप देखते हैं लाइव क्लासेस होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं, सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड भी मिल सकते हैं, लाइव भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। आइकॉनिक में एडेड एडवांटेजेस हैं जैसे पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाते हैं, टेस्ट एनालिसिस होते हैं, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर रहता है, सब कुछ आपके लिए पर्सनलाइज रहता है, आपको एक मेंटर दिया जाता है, ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाती है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है, ठीक है, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पर मंथ 1438 रुपए का पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूं मैं, आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इस मैजिकल कोड का इस्तेमाल करते हैं ना, अगर DIGRAJ दिगराज नाम ही काफी है, तो आपको क्या हो जाएगा, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1294 रुपीज में पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से, इफ यू यूज द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। ये प्लस की प्राइसिंग हो गई, क्योंकि आइकॉनिक में कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं तो आइकॉनिक की प्राइसिंग रिलेटिवली हायर साइड पे होती है, तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर मंथ 2683 रुपीज पड़ता है। और वही जो है, अगर आप DIGRAJ दिगराज इस पासकोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन पड़ जाता है 2415 रुपीज में, ठीक है, बाय यूजिंग द कोड दिगराज। क्लियर हुआ, ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ जैसे क्या है कि आप देखो, दो चीजें होती है, या तो आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं लेकिन आप ऐसा बोलते हो कि सर मैं और अपनी पोटेंशियल प्रूव कर सकता हूं, तो बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे अनअकैडमी एमर्ज जो है, तो नाउ विन 100% स्कॉलरशिप्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम डे, तो ये एग्जाम में आप एनरोल कर सकते हैं। अगेन एग्जाम्स, जितने भी स्कॉलरशिप एग्जाम्स वगैरह होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली फ्री, आप इनमें फ्री में एनरोल कर सकते हैं। 9 से 12 अप्रैल तक 5 बजे से एमर्ज ये स्कॉलरशिप एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अनअकैडमी ऐप पर टेस्ट वाले सेक्शन में जाके इन सारे एग्जाम्स वगैरह के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, आपको यहाँ पे कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है, तो आप, ठीक है, बग्स बाउंटी में पार्टिसिपेट करके उसे हाईलाइट कर सकते हैं और बहुत सारे ढेरों एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर यहाँ पर होता है पूरी तरह से समाप्त। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक और चैप्टर के साथ में। क्लास 9 की अपनी तैयारी जो है धुआंधार तरीके से आप यहां से शुरू करो, ठीक है। अभी के लिए मतलब साथ तो हमेशा बने रहना है, स्टे कनेक्टेड, ठीक है, लेकिन अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।